नाउ चलिए आज अपन मई 21 की आरटीपी क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। मई 21 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी आई थी वो हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 से ही शुरू करता हूं, तो आरटीपी देखते चले जाएंगे और अपन सॉल्व करते चले जाएंगे। ध्यान दो, अभी हमने डाउनलोड की ना आरटीपी, कहाँ गई आरटीपी? मई 21, ये रही। क्वेश्चन नंबर 4 निकालेंगे, वन पीस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैं सारा ही समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लो, सारा ही चीज समझा देता हूँ। इतना कुछ बहुत मुश्किल काम है नहीं, जितना दिख रहा है ना उसका आधा भी नहीं है, वो पागलपन है और कुछ नहीं है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस, सब लोग इस पेज पर आ जाएं, जो आपको कंसेप्ट इनसाइट दे रहा है ना, जरा बत्ती जलाओ अपनी और जरा कंसेप्ट। मॉर्निंग बोल रहे हैं, कृष्णा जी रेडबुल पीकर आए, ये है लग रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ध्यान दो रे, ध्यान दो जरा। नाउ कंसेप्ट का कुछ इनसाइट दे रखा है आपको, जरा कंसेप्ट देख लो एक बार। नाउ कंसेप्ट ये बोलता है, देखो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में हमने कहा था, एक छोटी सी बात बता देता हूं पहले, थोड़ा सा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बात करता हूं उस क्वेश्चन पे। तो आपको याद आ रहा होगा कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है, और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में हमने कहा कि अगर अपन से क्वेश्चन देख के नींद उड़ गई इसलिए गुड मॉर्निंग। ओके बाहुबली जी, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग, प्लीज नाउ कॉन्सेंट्रेट प्लीज। जब हम सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, हम सिमिलर मशीन्स को, सिमिलर टाइप की मशीन्स को हम लोग क्या करते हैं, या तो देखिए ऐसा समझिए, दो तरीके से अपन ग्रुपिंग करते हैं। जनरली दो तरीके से ग्रुपिंग की जाती है मशीन्स की, मशीन्स की दो तरीके से ग्रुपिंग की जाती है। हाँ जी, फर्स्ट से नहीं करवा रहे, नहीं फर्स्ट नहीं करवा रहा, पहला सीधा मैं सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता, वो थोड़ा सा बहुत लोगों ऐसा लग रहा है ये है वो है, अभी देखोगे यूं है, छिलटू है, छिलटू है, अभी देखो बस बात खत्म है ऐसा। उसमें पहले बात ये कर रहे हैं हम लोग कि सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, तो हम मशीन्स को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी ग्रुपिंग करते हैं, कुछ यू शेप ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कुछ ऐसा ग्रुपिंग करते हैं, एक मशीन फिर दूसरी मशीन फिर तीसरी मशीन फिर चौथी मशीन। ये तरीका है जब अपन ने मल्टीपल मशीन्स को क्या किया, मशीन्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यहां पर एक से ज्यादा मशीन्स ज्वाइन है, बराबर। तो इसको ये डिपेंड करता है कि मशीन का साइज कितना है, मशीन को स्पेस कितनी है और हमारे पास स्पेस कितनी है। तो अगर अपन इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, मैं जरा पहले आपको दो चार डायग्राम दिखा देता हूं, तो वो डायग्राम देख के आपको, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने डायग्राम दे रखे हैं कि हम कैसे कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, वो डायग्राम देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो पहला तो देखिए, ये देखिए ग्रुपिंग, फ्लो शॉप ऑफ असेंबली लाइन, देखो कैसे ग्रुपिंग किया है। तो ग्रुपिंग कर सकता है कि मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, इन तीनों को ग्रुप करके एक ही बंदा उस पर क्या कर रहा है, ध्यान रख रहा है, बीच में एक बंदा बैठा है, तीनों मशीन्स पर एक ही बंदा ध्यान दे रहा है, एक चीज ऐसा हो सकता है। और फिर यहां मशीन से सीधा क्या हो जाती है, लोड कर दी जाती है काई में, ट्रक में, और भेज दिया जाता है। एक तरीका, इसको बोलते हैं सेल 1, बराबर, इसको क्या बोलेंगे, सेल 1। अब यहीं से मशीन क्या है, असेंबली लाइन, अपन ये सेल 1 से कहां पर आ गए सेल 2, इसमें भी उसी तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा है, इसमें भी उसी तरीके। हाँ जी, माँ का किचन वाला कंसेप्ट है ये, माँ का किचन वाला कंसेप्ट है ये। तो इसी में आप देख रहे हो कि मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन 4, यहां 4 मशीन जोड़ दी, थोड़ी सी मशीन ज्यादा जोड़ दी, बराबर। और ये बंदा इस पर ध्यान दिए चला जा रहा है, इन 4 मशीन पर ध्यान दिए चला जा रहा है, ठीक बात है। अगला चीज अपन ऐसा बोल सकते हैं, असेंबली लाइन यहां पर दे रखा है हम लोगों ने, एक मशीन सेल 3 है, सेल 3 में 2 बंदे हैं, कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं जो काई पर ध्यान दे रहे हैं, इन मशीन्स पर, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन 4 मशीन 5, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है। या फिर एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, तो मल्टीपल टाइप के अरेंजमेंट दिख रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल फ्लो पर,
वो काय पर डिपेंड करता है, मटेरियल फ्लो पर। तो यहां पर देखो अलग अलग बंदे, तीन बंदे हैं और वो पांच मशीन्स पे, मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री, मशीन फोर, मशीन फाइव, ऐसा क्या कर रहे हैं, से इन पर ध्यान दे रहे हैं या इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये ऐसे अलग अलग यू शेप अरेंजमेंट, उल्टा यू शेप अरेंजमेंट, दो बंदे, एक बंदा, मल्टीपल बंदे, ऐसे क्या कर सकते हैं, ध्यान दिया जा सकता है। तो इस तरीके से मशीन्स को सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये फ्लो वीडियो क्यों नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ है क्या भाई, पूजा को वीडियो नहीं दिख रहा, पूजा मंदाप्ती, आप एक काम करें, सब सही है सर, नो सर, ऑल ओके सर, ऑल आई कैन सी यू सर, ऑल ओके, वीडियो इज विजिबल, पूजा एक काम करो, लॉग आउट करो और फिर से लॉग इन करो, दिख जाएगा, ऑडियो ओनली क्लिक हो गया होगा, हाँ जी ऑडियो ओनली क्लिक हो गया होगा, वापिस करिए, मेरा भी ऐसा ही था, अभी काम कर रहा है बाहुबली सब चीज, इज इट वर्किंग नाउ, हाँ जी, तो हम लोग यस सर, चलो ध्यान दो, हाँ उनका ओनली ऑडियो हो गया होगा, कर लेगा, पर ध्यान दो, लॉग आउट लॉग इन, प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस। अब जब अपन करेंगे तो ये जो क्लस्टरिंग है, क्लस्टरिंग मतलब ये जो सेल को जोड़ रहा है वो तीन तरीके से जोड़ सकते हैं। पूजा मंदाप्ती, गुड डन सर, चलो वेरी गुड, पूजा इज इन द क्लास नाउ, वही मैं बोल रहा था मन क्यों नहीं लग रहा मेरा पढ़ाने में, तो अभी समझ में आया, पूजा लॉग इन नहीं कर पा रही थी बेचारी, देख नहीं पा रही थी मुझे, अब समझ आया मुझे, हाँ जी ध्यान दीजिए अब, हाँ जी, तो क्लस्टरिंग मेथड, सर आप तो है ना छोड़ते ही नहीं हो सर, कोई भी बात मिली कि गया है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फाइंड करना है इसमें, हाँ जी क्या सर आप भी मजे ले रहे हो, ध्यान दे कृष्णा आप, कुछ नहीं, ध्यान दो, हाँ चलो ध्यान दो, तो क्लस्टरिंग मेथड, तो पहला मेथड अपना आया पार्ट फैमिली ग्रुप। देखो या तो अपन क्लस्टर इस तरीके से करें कि क्या पार्ट फैमिली, फ्रॉम पार्ट फैमिली द ग्रुप मशीन्स इनटू सेल, आप उन मशीन्स को जोड़ दो जो एक पार्ट बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि एक पार्ट है P1 नाम का पार्ट है, ये मशीन वन और मशीन फाइव एंड मशीन सेवन पे बनता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो P1, तो आप क्या कर दो इस तरीके से मशीन को ग्रुप कर दो कि भैया ये पार्ट बनाने के लिए P1 कौन कौन बनाता है, हाँ RTP है या MTP, RTP, ध्यान दो, तो भाई हाँ जी, तो आप क्या कर दो, May 21 की RTP है, ध्यान दीजिए P1 प्रोडक्ट मशीन वन, मशीन फाइव और मशीन सेवन पे बनता है, तो इनको क्या कर दो, क्लस्टर कर दो, इनको जोड़ दो, मशीन वन, मशीन फाइव, मशीन सेवन को, इसको क्या बोलते हैं, पार्ट फैमिली ग्रुपिंग। तो पार्ट के हिसाब से फैमिली को ग्रुप कर दिया हमने। दूसरा हो सकता है डायरेक्ट मशीन ग्रुपिंग, मशीन ग्रुपिंग सेल बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटीज इन पार्ट राउटिंग एंड द एलोकेटेड पार्ट टू सेल। तो आप सीधा सीधा मशीन को अब क्या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है कि ग्रुपिंग जब की जा सकती है तो वो क्या हो सकती है, सिर्फ मशीन के हिसाब से कि मशीन वन जोड़ दी, उसको मशीन टू से जोड़ दिया, उसको मशीन थ्री से, सिर्फ मशीन ग्रुपिंग, पार्ट वार्ट नहीं सोचा, ठीक है। और तीसरा तरीका हो सकता है मशीन एंड पार्ट ग्रुपिंग, फ्रॉम पार्ट फैमिली एंड मशीन सेल साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में सोच रहे हैं कि कौन से पार्ट के लिए क्या मशीन लगेगी और कौन से मशीन के लिए क्या पार्ट लगेगा, मतलब कौन से मशीन पे क्या पार्ट बनेगा, दोनों को साथ में सोचा जा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका, जैसा भी ग्रुपिंग करो कोई बात नहीं, सबसे आसान तरीका अगर ये ग्रुपिंग करने का है तो उसको बोला जाता है रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। कौन सा तरीका, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। आइए जरा मैं आपको ये सिखा दूं और 5-10 मिनट में, स्पेस स्टेशन में हुआ था ये बिटवीन USA एंड रशिया, ध्यान दे इतना पीछे कहां जा रहा है स्पेस स्टेशन और ये वो। पार्ट ग्रुपिंग करनी है, मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूं, पहले जरा क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ भाई, सभी लोग काय पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और फिर अपन उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड से। ध्यान दो, हाँ
कहाँ है क्वेश्चन नंबर फोर आ जाए। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा आपके स्क्रीन पर, सेल्युलर मैन्युफैक्चर। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, फाइव आपको घर पे करना है, ध्यान दीजिए। हाँ जी, इट हैज बीन रिजॉल्व दैट सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग शैल बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। तो अपन ने ये सोचा है अपने कंपनी ने कि सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग यूज करना है। इन अ रीसेंट बोर्ड मीटिंग ऑफ रैप्टर बियरिंग शाफ्ट लिमिटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, मिस्टर नायक द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन फंक्शन गेव अ ब्रीफिंग ओवर डिफरेंट लेआउट ऑफ सेल। तो उसने बताया अलग अलग कैसे सेल बनाए जा सकते। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सयाल बिलीव्स दैट ईच पॉसिबल सेल फॉर्मेशन एंड लेआउट नीड टू बी स्टडीड इन एडवांस बाय क्रॉस फंक्शनल टीम्स। तो अलग अलग टीम्स को मेरा आप चेक करें सेल, आपका मैं चेक करूं, ऐसा वो बोल रहा है। चीफ एचआर ऑफिसर मिस्टर मिश्रा शोज हिज कंसर्न ओवर यूटिलिटी ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। तो भैया एचआर वाले के बाहर हो जाएगा वो, तो उसको लग रहा है कि भाई मेरा क्या काम अगर इसमें सब तुम मशीन को ही अरेंज कर दोगे, लेबर कम पड़ेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। इन रिस्पॉन्स टू हिम मिस्टर नायक मेंशन्ड ऑल्दो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज क्वाइट एन ओल्ड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय फ्रेडरिक विंसल टेलर विच एनालाइजेज द सिंथेसाइजेस वर्क फ्लो विच ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी बट स्टिल हैज रेलेवेंस। अच्छा, ये FW टेलर ने बहुत बड़ी बातें बोली है। ये इतना सा बात बोलना चाह रहा है कि भाई मशीन को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि लेबर की भी एफिशिएंसी आए, मशीन की भी एफिशिएंसी आए, बराबर। तो वो बोलता है द रेलेवेंस इज मल्टीफोल्ड, मतलब आपका अगर आपने मशीन को प्रॉपरली अरेंज किया, जैसे आपकी बाइक में होता है, बाइक में मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि भाई एक हाथ में क्लच दिया जाता है, लेफ्ट पैर में गियर दिया जाता है, राइट पैर में ब्रेक दिया जाता है, इधर एक्सीलेटर दिया जाता है। तो अगर आपने मशीन के पार्ट्स को प्रॉपरली अरेंज कर दिया एंड हर ह्यूमन बॉडी पार्ट पे आपने एक टास्क असाइन कर दिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी से असाइनमेंट विद मैट्रिक्स लग रहा है। हाँ, उसी तरीके का है, असाइनमेंट वाला ही चक्कर है यहां पर। तो टाइम एंड मोशन स्टडीज भी की जा सकती है और उससे हमारा सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग भी फास्ट हो सकता है। मतलब मशीन को इस तरीके से अरेंज करें कि मिनिमम मूवमेंट में मैक्सिमम आउटपुट आ पाए। तो ये बात किसने समझाई? मिस्टर नायक ने किसको? मिस्टर मिश्रा को समझाई। मिस्टर नायक कंस्टिट्यूटेड अ क्रॉस फंक्शनल टीम विद द टीम रेफरेंस स्टेटेड इन एंड ब्रॉड रेजोल्यूशन। ठीक है भाई, क्या बताया टीम ने? यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिविजन। अपन अकाउंटेंट बोल के उस टीम का पार्ट है। द टीम स्टार्टेड विद स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉसिबल लेआउट एंड मशीन सेल डिजाइन। व्हाइल एनालाइजिंग द प्रोडक्शन फ्लो इट इज ऑब्जर्व दैट फाइव डिफरेंट पार्ट P101, P104, P105, P107 एंड P108। मैं इनके नाम यहां लिख देता हूं, जैसा इसने बनाया वैसा ही मैट्रिक्स मैं भी यहां पर बना लेता हूं। आप भी मेरे साथ P101, कुछ नहीं छिलटू, अभी देखोगे ना तो बोलेंगे सर इतना झामल झामल, आप भी ना सर, बहुत ही आसान सी चीज है। इंस्टीट्यूट एक एक मतलब इस चीज को भी ऐसे बच्चे बेचारे नया देख लेते हैं ना, कहीं ये कहीं में ही नहीं दिया हुआ है, ये कहां पर नहीं दिया हुआ है, ऐसे में स्टडी मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है और सीधा MTP RTP में आ गया है। बट ठीक है, मैं समझा देता हूं कि कैसा है। हाँ, काफी बार बड़ा आंसर था इसलिए सर, तो आंसर देख करके काय को डरना है, चलो ध्यान दो। तो उसने ऐसा दे रखा है M2, M7, M13, M13A और M15। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी कंसेप्ट इनसाइट दिया है उन्होंने, ध्यान दो जरा। तो उन्होंने कंसेप्ट इनसाइट इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने स्टडी मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, ऐसा अमन का बोलना है जो कि करेक्ट है। ये जहां जहां 1-1 लिखा है ना, उन्होंने जहां जहां क्या लिखा है, 1 लिखा है, मतलब इसका मतलब है पार्ट 101 बनाने के लिए मशीन 2 और मशीन 13 लगती है।
पार्ट 101 बनाने के लिए कौन सी मशीन लगती है? मशीन 2 और मशीन 13 लगती है। वैसे ही पार्ट 104 बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है, मैं यहां ले लेता हूं यार, इसमें क्वेश्चन उधर बार बार उधर दौड़ना। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन सामने, आ जाओ। तो पार्ट 104 बनाने के लिए भाई आपको मशीन 7 लगता है और कौन सा लगता है? मशीन 13A लगता है। पार्ट 105 के लिए सिर्फ मशीन 13A लगता है। 107 के लिए भैया ये लगता है कौन सा? 13 लगता है। और कौन सा लग रहा है? 15 लग रहा है, 15 लग रहा है, 13 एंड 15 दो लग रहे हैं। और 108 के लिए सिर्फ मशीन 7 लग रहा है, बराबर। अब वो बोल रहा है कि इनमें से, हाँ जी, इनको कैसे अरेंज किया जाए, इनको कैसे अरेंज करना है, ये सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो अगर इनको कैसे अरेंज करना है, फर्स्ट टू क्वेश्चन तो उनके मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं यहां पर। ये दोनों क्वेश्चन तो थ्योरी है, ये बाद में देख लेंगे, पहले प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर थ्योरी बताता हूं। डिस्कस द कंसर्न एक्सप्रेस बाय मिस्टर मिश्रा ओवर यूटिलिटी ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। पार्ट फैमिली ग्रुपिंग में अरेंज किया है ना? हाँ जी, पार्ट फैमिली ग्रुपिंग में अरेंज करा है। मैं बताता हूं, एक्सप्लेन ऑन यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 मशीन सेल डिजाइन विच कैन बी यूज्ड। वो 3 सेल मशीन डिजाइन, वो भी अपन, तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अभी के लिए छोड़ रहा हूं, अभी के लिए छोड़ रहा हूं, बाद में इस पर डिस्कशन करते हैं। पहले अपन थर्ड पार्ट थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से, ROCA से कैसे सॉल्व किया। फाइंड द लॉजिकल पार्ट फैमिली एंड मशीन ग्रुप बेस्ड अपॉन पार्ट मशीन, देखो दोनों ही चीज कर रहा है, पार्ट मशीन इंसिडेंट मैट्रिक्स, मतलब वो थर्ड वाला, टू शोकेस मशीन पार्ट ग्रुपिंग यूजिंग रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। देखो क्या करना है, बता रहा हूं, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ये बोलता है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेसिमल इक्विवेलेंट। क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन का एक तरीका है, किसी एक मैथमेटिकल बंदे ने, से आर्यभट्ट या टाइप के वाले बंदे ने क्या निकाला है, एक जिसको हम डेसिमल इक्विवेलेंट बोलेंगे। डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला है समेशन, इसका फॉर्मूला है समेशन n j टेंड्स टू 1, दैट इज BW ऑफ J मल्टीप्लाई बाय AIJ। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है बाप रे बाप क्या फॉर्मूला है, ऐसा है वैसा है, ऐसा लग रहा है, बराबर ऐसा लग रहा है। यहां पर BW का मतलब है, BW का मतलब है बाइनरी वेट। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो तो बात खत्म होती है, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, BW1 का मतलब है बाइनरी वेट। दूसरा चीज है BW निकालने का तरीका, BW निकालने का तरीका 2 to the power n-1। BW कैसे निकालेंगे? 2 to the power n-j, 2 to the power n-j, n-j क्या निकालते हैं? बाइनरी वेट्स निकालते हैं। ठीक बात है, ये निकालने का तरीका आपको। एंड DE का मतलब है, DE का मतलब है, हमने कहा डेसिमल इक्विवेलेंट। अब इसका मतलब समझ लो कि ये करना क्या है, करना क्या है इस पर्टिकुलर चीज में, जरा मतलब समझ लेंगे। ये लिख चुके क्या, फॉर्मूला लिख चुके, BW का मतलब लिख चुके, BW का मतलब, हाँ सर, यस सर, और AIJ का मतलब है कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट। अभी मैं समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही चिल्टू है। AIJ का मतलब है कोऑर्डिनेट, ठीक है, ए का आई और जे, अब भी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट कृतिशा जरा उसमें चलने जो। एन एन जे सब बताता हूं, सब लोग समझ लो पहले, क्योंकि यहां पे जब तक टाइम में नहीं जाओगे, से प्रॉब्लम में नहीं जाओगे, तब तक ये चीजें समझना मुश्किल जाएगी। ध्यान दीजिए जरा, आ जाइए, ये हमारा कॉलम है। क्या मैं ऐसा बोलूं कि यहां 5x5 का मैट्रिक्स है? क्या ये 5x5 का मैट्रिक्स है? यस और नो? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब है कि यहां का n 5 है, क्योंकि ये 5x5 का मैट्रिक्स है, तो n कितना है? 5 है। 5x5 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो n 5 है।
सबसे पहले इसमें भी हमको क्या करना है, रैंक द रो करना, पहला चीज क्या करना है, रैंक द रोज। जैसे इसको अपन रो ऑपरेशन बोल सकते हैं, जैसा आप असाइनमेंट में करते थे ना, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। हाँ, 5x4 मैट्रिक्स होता तो जनरली 5x5, 6x6 इसी तरीके के मैट्रिक्स दिए रहते हैं, इसी तरीके के से मैट्रिक्स दिए रहते हैं। ठीक है, ये कैसे इंटरप्रीट किया और कोई एग्जाम्पल लेकर बताना, क्या एग्जाम्पल लेकर के इंटरप्रीट बताऊं तेरे को, क्या एग्जाम्पल लेकर के बताऊं, नहीं समझा अमन, क्या इंटरप्रीट, मैंने अभी तक कुछ इंटरप्रीट ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया कि भाई पांच रो है, पांच कॉलम्स है, या पांच रो और पांच कॉलम्स है, तो इसलिए उसको N5 बोलते हैं। जैसा अतुल ने पूछा कि 5x4 रहेगा तो क्या करेंगे, जनरली मैट्राइस मैच कर दिया रहता है जनरली। अभी पहले ये तो समझ लो आगे की, मतलब अभी खड़े ही नहीं हुए, दौड़ने की बातें कर रहे हो, दो पांच मिनट रुक जाओ जरा, पहले जो समझा रहा हूं वो समझ लो। हाँ, बैलेंस्ड प्रॉब्लम ही होगा, जनरली बैलेंस प्रॉब्लम ही होगा। चलो देखो, हाँ वो मैं अतुल ने जो पूछा वो भी जवाब देता हूं। एन अभी समझ में आ गया ना, पांच, तो पांच रोज है इसलिए पांच है, पांच कॉलम है इसलिए पांच है, बराबर। अब पहला चीज अपन कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं बाइनरी वेट। पहले काय के लिए निकालने हैं अपने, रो, तो जब भी रो में रहेंगे तो बाइनरी वेट कॉलम्स में लिखे जाते हैं। बाइनरी वेट्स कैसे लिखे जाते हैं, कॉलम्स में लिखे जाते हैं, पहली बात, क्योंकि अपन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रो ऑपरेशन, तो वेट लिखे जाते हैं कॉलम में, जब कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वेट लिखे जाएंगे रोज में। ठीक है, हाँ जी, ध्यान दो, अभी कुछ मत लिखो बाहुबली जी, भागो मत, एक बार समझ लो, बाद में जो मर्जी चाहे स्टेप वो सब लिखवा दूंगा, भागो मत, बस चलते रहो मेरे साथ साथ, चलते रहो, दौड़ो मत, दो पांच मिनट क्या कर रहे हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद जो आप स्टेप बोलेंगे सब लिखवा दूंगा, ध्यान दीजिए। तो ये आ गया हमारा, बाइनरी वेट्स लिखना है, बाइनरी वेट लिखना है। बाइनरी वेट्स का फॉर्मूला देखो, 2 to the power n-1, क्या करते हैं, 2 to the power n-1, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं यहां पांच नंबर है ना, तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखा जाता है 2 to the power n-j, तो n माइनस एन है पांच, और ये फर्स्ट कॉलम है इसलिए नंबर है वन, फर्स्ट कॉलम है इसलिए नंबर क्या है वहां का, वन है, 2 to the power 5-1, तो मतलब 2 to the power 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16, कितनी आ जाएगी वैल्यू 16। ये सेकेंड कॉलम है इसलिए यहां लिखा जाता है 2 to the power 5-2, जे क्या है, जे का मतलब है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 8। यहां 2 to the power 5-3 मतलब 2 to the power 2, यहां वैल्यू आ जाएगी 4, बराबर, यहां वैल्यू आ जाएगी 4। इन शॉर्ट हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 to the power n-j वाला फॉर्मूला यूज कर बाइनरी वेट निकाल रहे हैं, बाइनरी वेट्स निकाल रहे हैं, ठीक बात है, बाइनरी वेट निकाल रहे हैं, 2 to the power 5-4, तो यहां पर आ जाएगा क्या चीज, 2, एंड 2 to the power 5-5, फिफ्थ कॉलम मतलब 1, तो यहां पर आ जाएगा 1, 2 to the power 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, आप जानते ही हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये बात समझ में आई, आ गई क्या, कि बाइनरी वेट्स कैसे निकाले, क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है कि सर बाइनरी वेट्स कैसे निकाले, ये बात समझ में आ गई क्या, जी सर, क्रिस्टल क्लियर सर, यस सर, ये तो एकदम ही छिलटू था, एब्सोल्यूटली सर। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, हमारा डीई, डीई मतलब क्या, जिसको अपन ने डेसिमल इक्विवेलेंट बोला, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, इधर अभी कहां आया है, रोज के अपन कॉलम्स बाइनरी वेट निकाल लिए, तो डेसिमल इक्विवेलेंट इस तरफ निकलेगा, मतलब काय में निकलेगा, रोज के लिए डेसिमल इक्विवेलेंट निकलेगा, काय के लिए निकलेगा, रो के लिए डेसिमल इक्विवेलेंट, कुछ नहीं छिलटू सी बात है, एकदम ही छिलटू बात है, ये 16 को लेने का और जहां जहां वन है उससे मल्टीप्लाई कर देने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 into AIJ, फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा, BW मतलब बाइनरी वेट इंटू AIJ, जिधर वन लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 16 into 1 से मल्टीप्लाई कर देने का, 16 1 जा
बाकी उस रो में कहीं पर भी वन नहीं है, तो इसीलिए यहां पर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 16 आ जाएगा। दूसरी रो में आओ, दूसरी रो में आओ, दूसरी रो में निकालो, दूसरी रो में चेक करो, ये 8 इंटू वन मल्टीप्लाई होगा और 1 इंटू वन मल्टीप्लाई होगा और दोनों का सम कर देंगे। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ बाइनरी वेट्स इंटू कोऑर्डिनेट, जहां वन लिखा है वहां से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं उसको ए आई जे बोल रहा हूं, ये वाले पोजीशन को क्या बोला जाता है, ए आई जे, मतलब उसका जहां वन लिखा है उसका कोऑर्डिनेट है वो। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ए आई जे इज ए टू ऑफ टू, तो 8 इंटू वन प्लस 1 इंटू वन 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाए, छिल टू सी बात है। अगला चीज 16 इंटू वन प्लस 2 इंटू वन 18, अगला चीज 8 इंटू वन प्लस 4 इंटू वन 12, हाँ जी, अगली चीज 2 इंटू वन 2। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई, क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई, करना कुछ नहीं है, बाइनरी वेट लेने का, बाइनरी वेट लेने का और काई से मल्टीप्लाई कर देने का, जहां जहां आपको वन बोला है उससे मल्टीप्लाई करके समेशन कर देने का। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई, रो कॉलम का क्या बोला था आपने, एक बार फिर से बता दो, ठीक है फिर से सुन ले, ये 16 इंटू वन ये आ गया 16, ये 8 इंटू वन प्लस 1 इंटू वन ये आ गया 9। तीसरा वाला ये 4 इंटू वन, थर्ड वाली रो में देखो, तो थर्ड रो में ये 16 इंटू वन प्लस ये 2 इंटू वन 18 आ गया, बराबर 18 आ गया। फिर क्या करेंगे, फोर्थ वाली रो में 8 इंटू वन प्लस 4 इंटू वन बराबर, तो ये 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, बाइनरी वेट ले रहे हैं और उनको ए आई जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको काई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए आई जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनका क्या कर दे रहे हैं, समेशन कर दे रहे हैं। सामने सामने वाले को मल्टीप्लाई करना है, सामने सामने वाले नहीं मालूम मेरे को, जहां वन है ना, जिस रो में 16 है जो वन है उसको मल्टीप्लाई करके सम टोटल लिख देना, करना यही है। सामने सामने वाले नहीं समझा मेरे को, तो बाइनरी वेट इंटू ए आई जे करना है, बाइनरी वेट इसको बोलेंगे, ए आई जे ये वाली वैल्यू हो जाएगी, पहली रो की वैल्यू। फर्स्ट रो के लिए अगर बताऊं, देख मैं फिर से पूरा चीज बता, सिंपल तो है यार, सीधा उठा के मल्टीप्लाई करना और समेशन कर देना। देखो सिंपल बात, ये 16 को उठाया, 16 को उठाया, काय से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो में सिर्फ एक वन था, एक ही जगह वन था उस रो, फर्स्ट रो में, तो 16 इंटू वन करके उसका 16 टोटल लिख दिया। सेकेंड रो में उतरे, क्योंकि अपन कौन से रैंक द रो वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो रैंक द रो अगर परफॉर्म कर रहा हूं, अब वापस आ जाओ सेकेंड रो में, आ जाओ सेकेंड रो में, हमारा एक 8 है और एक 1 यहां पर है, मतलब ये 1 है और ये 1 है, तो 8 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 इंटू वन इज 8 प्लस 1 इंटू वन इज 1, तो 8 प्लस 1 9, ये वाली वैल्यू आ गई 9 आ गई। जब सेकेंड रो हो चुकी तो थर्ड रो में आओ, काय में आ जाओ भाई लोगों, थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में इकलौता 1 2 पे है, ये इकलौता 1 है, तो 1 इंटू 2 करके, और सॉरी इकलौता नहीं है, इधर भी है 16 वाला भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, 16 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 समेशन कर दो, 18 आ जाएगा। फोर्थ रो में उतरो, हाँ तू रुक ना अतुल को, अभी तो पहले डी तो समझने दे लोगों को, तेरे को अभी रैंक भी पता करनी है अतुल, रुक जाओ रे, मर रहे हैं लोग कि ये मेरे को समझ गया आगे का बताओ सर।
तो ठीक है सर, फॉर्मूला तो समझ नहीं आया बट सॉल्यूशन समझ गया। फॉर्मूला भी तो इजी है, पहले ये BW मतलब बाइनरी वेट्स है, उनको काई से मल्टीप्लाई करना है, AIJ से मल्टीप्लाई करना और सम कर देना है, वो का वही तो कर रहा हूं। 16 इंटू वन प्लस 2 इंटू वन 18, नेक्स्ट 8 इंटू वन प्लस 4 इंटू वन 12। फॉर्मूला क्या है, इसको क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो BW, इसको क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो AIJ, BW इंटू AIJ क्या कर रहे हैं, समेशन कर दे रहे हैं। गॉट इट, यस सर समझ गए, जे पार्ट गॉट इट, एवरीबडी गॉट इट, सभी लोगों को समझ गया क्या ये पार्ट, सब लोगों को समझ गया क्या, यस और नो, यस सर यस सर यस सर गॉट इट सर, जी सर जी सर जी सर यस सर यस सर क्लियर सर, ये एक पार्ट खत्म हो गया, जे बात। अच्छा अब क्या करना है, ये जो आपकी क्या आई है डिजिटल इक्वल, सॉरी क्या बोलेंगे, ये जो डीईज आई हैं, डीई दैट इज आपके क्या डेसिमल इक्विवेलेंट आए हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट आए हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग कर दीजिए। उसके हिसाब से रैंकिंग का मतलब जो हाईएस्ट डेसिमल इक्विवेलेंट आया है वो 1, उसके बाद का 2, उसके बाद का 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके हिसाब से रैंकिंग कर दीजिए। तो 18, 16, 12, 9, 2, सर आप लेफ्ट लेते चले जाते हो, यहां पेज नहीं बचता, बस इतना ही है भाई, मैं क्या करूं, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। इस ऑर्डर में मशीन को जमाएंगे, अब क्या करेंगे, करेक्ट बोला मोहित ने, एकदम करेक्ट बोला कि ये जो ऑर्डर आया है, अब मशीन्स को सेकेंड टेबल में, सेकेंड टेबल में मशीन्स को इस ऑर्डर में जमा दो। ये जो रैंकिंग आई है ना डी की रैंकिंग, ये सब क्यों किया, ये सब इसलिए किया ताकि ये रैंकिंग आ जाए, बराबर। तो इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे बोलने का मतलब ऊपर कौन चला जाएगा रैंकिंग के हिसाब से। देखो अब आप ये टेबल लिख चुके कि आप, तो मैं नीचे का टेबल बनाता हूं, मुझे वापस मत खींचना, पहले बता दे रहा हूं, हाँ फिर से बनानी पड़ेगी, हाँ जी चार बार बनाना पड़ेगा टेबल, बहुत लंबा है, अभी तो पहला ही स्टेप आया है, फिर से बनाना पड़ा, हाँ हो गया सर, हो गया भाई, चार बार बनाना, लाइक M2 सेकेंड नंबर में, जी करेक्ट बात है, नहीं बनाया, बना ले मोहित, जल्दी ये टेबल बना ले, तो इसके आगे का फिर मैं करता हूं, नहीं रे भाई एक टेबल में कहां से करवा दूंगा यार, चलो नवनीत सर फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है बट फॉर्मूले से एक बार समझ जाए तो हमेशा याद रहता है, फॉर्मूला लिखना विखना कुछ कंपलसरी नहीं है, हाँ जी चलो सर आगे चले, पिक ले ली, चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है अगर ये जाए कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बन जाएगा, चलो आ जाओ तो वापस बनाते हैं। देखो पहली रैंकिंग कौन से मशीन की थी, आप बोलते जाएंगे, पहली रैंकिंग मेरी आई थी मशीन 13 की, M13 की, उसके बाद रैंकिंग आई थी M13 की, रैंकिंग में 1 यहां काय में ऊपर नाम भी दे देता हूं, P101, P104, P105, P105, P107 और P108, ऐसा आया था M13 में 1 यहां लग रहा है और 1 यहां लग रहा है, तो M13 ऊपर ले लो, पहले नंबर पर ले लो। M13 के बाद रैंकिंग आई थी M2 की, तो M2 को सेकंड नंबर पे लेना है, इसमें यहां 1 लिखेंगे और यहां 1 लिखेंगे, जहां जहां 1 था उसको बदलना नहीं, हाँ जी। उसके बाद रैंकिंग आई थी M13A की रैंकिंग आई थी, तो इसको यहां ले लेंगे M13A में, सॉरी कहां पर है, M13A में नंबरिंग है 104 में है, 104 में है और 105 में है, ठीक है डाल दिया 104 105। उसके बाद हमारा M7 का रैंकिंग आया था, किसका रैंकिंग आया था, M7 का रैंकिंग आया था, तो M7 के रैंकिंग के हिसाब से कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज M7 की रैंकिंग के हिसाब से कर लेंगे,
चलो ठीक है, तो M7 डाला और लास्ट रैंकिंग आई थी M15 की, तो M7 एंड M15, M15 में तो इकलौता कहां पर है 1017 के पास में, और M7 में रैंक 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, M7 में 1 यहां पर है, और कहां पर है भाई, किसी एक में नंबरिंग गलत, 3 कैसे आ गई है, M2 गलत है, ओके M2 गलत है, M2 में कहां था, पहले शुरुआत में था, ओके M2 में यहां था, M2 में यहां था, ठीक बात है, M2 में गलत है, और इधर भी नहीं था, इधर भी नहीं था, ठीक ठीक से हटाओ, हटा दिया, M7 में देख लो सिर्फ, M7 में 1 इधर है और 108 यहां पर है, क्या अब बराबर आ चुका है, एक बार रीचेक कर लेता हूं, M13 का 1 और 1 बराबर है, हाँ अब सही लग रहा, M2 में 1 बराबर है, M13A में 1 और 1 बराबर है, M7 में 1 और 1, 1 और 1 बराबर है, ठीक है, M15 में करेक्ट है। सर एक चीज पूछनी है, हाँ 2 मिनट रुक जा तू, एक चीज पूछ लेना, एक बार कंप्लीट होने दे 2-3 स्टेप, फिर तू पूछ लेना जो भी पूछना है। तो अभी अपन ने क्या किए थे, रैंक द रो किया था, अब हमको करना है रैंक द कॉलम, रैंक द कॉलम, अब क्या करना है, रैंक द कॉलम करना है, क्योंकि आपकी रोज तो मशीन्स तो अरेंज हो गई काय के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन अभी क्या अरेंज नहीं हुए है, कॉलम अरेंज नहीं हुए, तो कॉलम अरेंज नहीं हुए हैं, तो फिर से आ जाइए यहां पर, निकालेंगे बाइनरी वेट डालेंगे, क्या करें, बाइनरी वेट को दे की जगह लिखेंगे, करेक्ट बात है, बाइनरी वेट, तो अगेन यहां पर आ जाएगा 2 to the power 5 - 1, ये फर्स्ट रो है इसीलिए इसका आ जाएगा 16, 2 to the power 5 - 2 मतलब यहां आ जाएगा 8, 2 to the power 5 - 3 मतलब यहां आ जाएगा 4, 2 to the power 5 - 2 मतलब यहां आ जाएगा से 4 यहां आ जाएगा 2 एंड 2 to the power 5 - 5 मतलब यहां आ जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या कि अब की बार हमको कहां रैंकिंग करनी है, अब की बार मुझे रैंक देनी है किसको, कॉलम्स को रैंक देनी, इसीलिए बाइनरी वेट रो में लिए। चलो वही लॉजिक वापस करो, चलो 16 into 1 प्लस 8 into 1 तो यहां पर 24 डीई आ जाएगा आपका, डेसिमल इक्वेलेंट 24, रो कॉलम में खेलना है, हाँ जी रो कॉलम में खेलते रहना। दूसरे वाले में देखो 4 into 1 plus 2 into 1 6 आ जाएगा। थर्ड वाले में 4 into 1 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 16 into 1 plus 1 into 1 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले में 2 आ जाएगा। देखो तो अब क्या छिलटू लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सच बात है, क्या अब छिलटू लग रहा है कि नहीं, और रैंक दे दो, अब रैंक दे दो भाई, भाई लोगों रैंक दो, नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, छिलटू नहीं लग रहा तो करता रहे मेरे साथ, करता रहे, ठीक है। तो इसका रैंक 1 आ जाएगा, इसका रैंक 2 आ जाएगा, इसका रैंक 3 आ जाएगा, इसका रैंक 4 आ जाएगा, इसका रैंक 5 आ जाएगा, छिलटू लग रहा। सर पहले जैसा कराइए, पहले जैसा क्या कराऊं, पहले ही तो जैसा किया, पहले रो का किया अब कॉलम का किया भाई, पहले रो के बारे में किया आप कॉलम का कर दिया, लाइन बनाकर समझाना इसमें, अच्छा लाइन बनाकर समझाऊं, देख भाई ये 16 को ये 1 से मल्टीप्लाई किया, यस सर, और ये 8 को ये 1 से मल्टीप्लाई किया, यस सर, तो 16 1 16 प्लस 8 1 8 दोनों को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, यस सर, ये तो समझ गया। अच्छा फिर अगला वाला देखो, अब सेकंड वाला देखो, ये वन को सेकंड कॉलम में देखो, ये वन को 4 से मल्टीप्लाई किया और ये वन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वन को 2 से, तो 4 1 4 प्लस 2 into 1 6, तो टोटल आ गया 6, ठीक बात। फिर अगला क्या किया, ये वन इकलौता है इस कॉलम में तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, काय से मल्टीप्लाई, तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, बराबर,
आज मल्टीप्लिकेशन सीखना है पूरा और उसका समेशन भी। हाँ जी, ये 16 लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और ये 1 को ये 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 16 इंटू 1 16 प्लस 1 इंटू 1 17, ये भी जम गया, ये भी जम गया। यस सर, अब समझा। चल तेरे को अब समझाओ, ऊपर वाले में भी ऐसे ही किया था अपन ने। जमा सर, अब जम गया सर, ठीक बात। और लास्ट वाले में ये 2 उठाया, ये वाला 2 उठाया और इस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये 2 आ गया। चलो जम गया, अनूप को भी जम गया और किसको भी समझ गया, से अमन को भी समझ गया, ठीक है। रैंक आ गई क्या अमन? हाँ जी रैंक आ गई, रैंक समझ गई। अब जिसका डीई ज्यादा उसका रैंक पहला। अनूप रैंक समझ गया? रैंकिंग ऑफ कॉलम से भी शुरू कर सकते थे इस क्वेश्चन के आंसर को। हाँ कर तो सकते थे, कैसे भी चालू कर सकते, कॉलम की रैंकिंग से भी चालू कर सकते, रो की रैंकिंग कैसे भी चालू कर सकते, दोनों से चालू कर सकते। कब तक खेलना है ऐसा? जब तक तेरे सारे अरेंज नहीं हो जाते, तेरे को समझ में आ जाएगा। अभी देख अमन, ये रैंकिंग जो है, अमन बोल रहा है ऐसा कब तक खेलना है, जब तक ये रैंकिंग ऐसी नहीं आ जाती ना, अभी रो और कॉलम में जब तक रैंकिंग क्या सीधी नहीं आ जाए, जैसे ये 1 2 3 4 5, जब तक इस तरीके की रैंकिंग ना आ जाए तब तक खेलते रहना पड़ेगा, तब तक खेलते रह लग ही रहा था। हाँ जी करेक्ट अमन, जब तक ये रैंकिंग काय में ना आ जाए, लाइन से ना आ जाए। चलो एक बार लाइन से अरेंज करो रे बच्चों, लाइन से अरेंज करो, इधर का वैसा ही छेड़ना नहीं। M13, M2, M13A, M7, M15, इनको छेड़ना नहीं। चलो जिसकी फर्स्ट रैंकिंग है वो वैसा ही रहन दो। P101, इसमें एक वन या एक वन या। सेकेंड रैंकिंग आई थी P107 की, P107 को इधर लो, इसमें एक वन इधर चाहिए और एक वन चाहिए आपका काई में फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में, ठीक है, ये लास्ट वाले में वन चाहिए। फिर थर्ड वाला वैसा का वैसा P104, बाकी पूरा छापना ही है, P105 और P108 बाकी छापना ही है। दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, अच्छा स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो इशू है, दिख नहीं रहा, मैं एक मिनट फिर से करता हूं। विंडो प्रोजेक्टर, ओके ये आया, एक मिनट जरा चेक करते हैं क्या इशू हुआ है। जस्ट शेयर माय स्क्रीन, ये विंडो पर अब दिख रहा है क्या, चेक करो, अभी जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है क्या, चेक करो, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या, स्क्रोल करो सर, नहीं अभी भी दिख नहीं रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, स्टक है, ठीक है। एक मिनट, मेरे को एक बार एग्जिट करके रीज्वाइन करने दो। आई एम लीविंग द क्लास एंड अगेन आई विल ज्वाइन, जस्ट अ सेकेंड, आई विल री RTP MTP, ओके, हो सकता है कभी कभी गो लाइव। शेयर माई स्क्रीन विंडो, एक सेकेंड, अभी भी काम नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया नया, एक सेकेंड जरा स्टॉप रिकॉर्डिंग करके री रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या, इधर की रिकॉर्डिंग चलने देते हैं, एक मिनट जरा रुक जाए, एक सेकेंड पूरा ही लीव करना पड़ेगा, इच मिनट बंद कर, तो प्रोजेक्टर बंद करिए,
अरे किसी का नेट वेट शुरू हुआ है क्या, चेक करो तो, कोई है क्या यहां? एक बार नेट शुरू करो, देखो किसी ने नेट कनेक्ट किया है क्या। चेक करो एक बार, ठीक है। क्या हो गया यार, चलिए आप देखिएगा तो जरा, आई एम बैक, लेट अस सी अब इशू रिजॉल्व हुआ है क्या। आई थिंक अब इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए, देखो तो जरा, अब शायद रिजॉल्व हो गया होगा इशू। बैक इन द हाउस, यस हुआ है। चलिए टेबल थ्री देखते हैं, अब मैं उसमें वापस ये लिखता चला जाता हूं, ध्यान देंगे। ये मैंने स्क्रॉल किया, ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं वापस, इधर भी रिकॉर्डिंग ऑन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए प्लीज ध्यान दीजिए, जो भी हो गया था फिर से ध्यान दीजिए। माइक ऑन करके ऑफ कर देना, चलो माइक भी ऑन करके ऑफ कर देते हैं, ये माइक ऑफ, ये भी माइक ऑफ, सब चीज बराबर। लेट स्टार्ट। तो हमने क्या किया, सिर्फ नंबर्स अपन ने क्या कर दिए, फिर से चलो ध्यान दो। एक बता दो सर, एक बता दो सर, क्या बता दूं, एक पी चेंज क्यों किया, पी कहां चेंज किया, पी तो अब रैंकिंग चेंज हुई ना भाई, पी की किसकी रैंक आई है, पहली रैंक 101 की है तो 101 आ गए, सेकेंड रैंक किसकी है 107 तो सेकेंड नंबर पे 107 होना चाहिए, थर्ड रैंक किसका है 104 का है तो थर्ड नंबर पे 104, फोर्थ रैंक किसका है 105 का तो 105 एंड सिक्स्थ पे 10। हाँ जी, यस सर इज देयर, सर इज देयर, पूजा सर इज देयर, चलो ध्यान दो। तो रीअरेंज कर दिया काय के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, तो पी 101 की फर्स्ट ही रैंक थी तो 101 रखा, फिर पी 107 वाला कॉलम उठा के सेकंड नंबर पे डाल दो क्योंकि उसकी रैंक सेकंड है, फिर थर्ड पी 104 ले लो, उसमें M13, जरा ध्यान दो, इसमें M13A और M7 डाल दिया, M7 डाल दिया, 104 डाल दिया, लाइन से लगा दिया, मशीन को नहीं हिलाना। हाँ जी, मशीन को नहीं, क्योंकि मशीन को अपन पहले वाले इसमें ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अरेंज कर चुके हैं, तो मशीन को अब नहीं हिलाएंगे, अब सिर्फ पार्ट्स को हिला देंगे, इधर उधर पार्ट्स को हिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या, 13 है, ऑलरेडी रैंक्ड है मशीन, तो मशीन को नहीं करेंगे बराबर, और किसको कर देंगे, लास्ट वाले में मशीन M7 में 1 है, चेक कर लो बराबर है क्या, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो बराबर आ गए हैं क्या, P101 वाला कॉलम सेम दिख रहा है, P104 वाला कॉलम करेक्ट दिख रहा है मुझे, करेक्ट दिख रहा है, M11 105 वाला कॉलम भी मुझे करेक्ट दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है, और 108 वाला कॉलम भी करेक्ट दिख रहा है, और कौन सा वाला P107 सेकंड नंबर पे आ गया, यस सही है सर, झकास सर, करेक्ट सर, ये आ गया है अपना कॉलम। अगर ये आ गए हैं, अब अपने क्या एक बार फिर से, अब कौन सी ऑपरेशन, रो ऑपरेशन दोबारा करनी पड़ेगी, रो चेक कर, रैंक द रो, चलो यहां पर हेडिंग लिखो रैंक द रो, रैंक द रो, मजा आ गया होगा वैसे, अब समझ गया है तो अब छिल्टू लग रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, रैंक द रो करना पड़ेगा फिर से, थर्ड टेबल, जी जी थर्ड टेबल, रैंक द रो, रो को रैंक कर देखिए, क्योंकि अभी क्या हुए, कॉलम बदले, कॉलम बदले तो हो सकता है कि रो क्या ऊपर नीचे हो जाए, हो गया सर, रैंकिंग लाइन से आ गई, जिसकी आई उसकी ठीक, बट मेरे को तो कर देखना पड़ेगा ना, मेरे हिसाब से नहीं आई होगी,
मेरे हिसाब से नहीं। अब यहां पर डायरेक्टली मैं क्या बाइनरी वेट लिख सकता हूं 16 8 4 2 1। अब वो फॉर्मूला नहीं लिखते बैठता, अब मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली रैंकिंग लिख सकता हूं। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या निकालो यहां पर डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालो, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो, जल्दी से निकालो निकालो। तो पहले वाला 16 + 8 = 24 आएगा, ये बराबर आई है 24, पहली वाली बराबर है। 16 आएगी सेकंड वाली, 16 आएगी थर्ड वाले में, 4 and 2 = 6 आएगा, 4 and 2 = 6 आएगा। फोर्थ वाले में 4 and 1 = 5 आ जाएगा, 4 and 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और लास्ट वाला 8, ये एक रैंकिंग गलत हो गई। इसका रैंक अगर दूंगा तो रैंक देखो 1 2 3 4 और 5 ऐसी रैंक आ गई, वो 3 नीचे आ गया। हाँ जी, वो 3 क्या हो गया, नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया। तो अगर वो 3 नीचे आ गया है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, रैंक द कॉलम करना पड़ेगा। कोई इलाज नहीं है, करते रहना पड़ेगा, रैंक द कॉलम करना पड़ेगा, रैंक द कॉलम। अच्छा है ना, एक ही प्रॉब्लम में 2-3 बार आदत हो जाए तो अच्छा ही है हमारे लिए। रैंक द कॉलम करते रहना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ जी बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग, तो कौन बोला होगा ये, अच्छा आज मनिंद्र ने बोला। हाँ, कॉलम ऑपरेशन पहले करने से गलत हो जाएगा, नहीं सौरव पहले करने से गलत नहीं होगा, नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है अंकिता, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 8 नंबर के लिए आ सकता है, 12 नंबर के लिए आ सकता है, 8 से 12 नंबर के लिए आ सकता है। ओके चलो ध्यान दो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है आने की, मेरे को तो नील लग रहा है, मेरे को तो नील लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आएगा। हाँ जी मुझे नहीं लग रहा है ये चीज आएगी। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, चलो फालतू की बातों में नहीं पढ़ते। हाँ जी P101 P107 P107 P104 P105 and P108, ये हमारी क्या थी, नंबरिंग थी, ये हमारी नंबरिंग थी। रैंकिंग बदल दो, रैंक 1-2 बराबर ही है तो उसका बराबर ही है, M13 और M2 बराबर है, M15 ऊपर आएगा, M15 ऊपर आएगा, M13A नीचे जाएगा और M7 एकदम नीचे चला जाएगा। चलो इनमें नंबर लगा देते हैं, 1 और 1, यहां पर नंबर लगा दीजिए 1, इधर नंबर लगा दीजिए 1, 13A का 1 और 1, और नीचे M7 में 1 और 1, ये नंबरिंग आ गई है। हाँ जी इसमें रैंकिंग आ गई, 1 2 3 4 रैंकिंग आ गई। तो 2 मिनट रुक जाना, फिर से अब क्या करो, वही अभी काय में दिए थे आपने, अब कॉलम में डालो रे, अब कॉलम में डालो बाइनरी वेट, रैंक द कॉलम है तो बाइनरी वेट कॉलम में डालो। यहां आ जाएगा 16 8 4 2 1, ये रैंक बाइनरी वेट्स आ गए। यहां पर आपका क्या निकाल लो, डेसिमल डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लो, तो 16 × 1 + 8 × 24 16 + 24 = 20, 3 2 1 ऐसा आ रहा है क्या, 24 20 3 2 1, ये डेसिमल। रैंकिंग चेक कर लो, दोनों तरफ रैंकिंग प्रॉपर आ गई होगी, अब उधर भी रैंकिंग प्रॉपर हो गई है, इधर भी रैंक प्रॉपर हो गई है, 1 2 3 4 5, अब रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रीअरेंज। यहां तक सभी लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ गया क्या? हाँ जी दोनों तरफ मतलब रैंकिंग मशीन्स में भी 1 2 3 4 आ गई है और पार्ट में भी 1 2 3 4 आ गई है। हाँ जी फाइनल सॉल्यूशन में दोनों साइड सेम रैंक होनी चाहिए। बहुत टाइम लग गया सर इस क्वेश्चन में, लगता ही है कृष्णा कोई इलाज नहीं है, लगता ही है इस क्वेश्चन में, लगता ही हाँ खत्म हो गया रे गोपाल, खत्म हो गया, अब सिर्फ आंसर लिखना बाकी है, तो फिर नीचे आंसर लिख देंगे इतना ही। ध्यान दे अब, पार्ट फैमिलीज एंड मशीन ग्रुप, पार्ट की फैमिली और मशीन ग्रुप कैसे है,
वो लिख दिया, अभी भी बाकी है, नहीं अभी कुछ नहीं बाकी है, फाइनल आंसर लिखना बाकी है, तेरा बन तो गया है, आंसर लिखना बाकी है कि देखो दो क्लस्टर बनेंगे, इस पर से इंटरप्रिटेशन समझो, क्लस्टर या सेल कितने बनेंगे, दो बनेंगे। मैं क्लस्टर वन, सब लोग ध्यान दो, क्लस्टर वन किसको बोल रहे हैं, पार्ट 101 और 107, देखो दोनों को ध्यान दो, 101 और 107, इन दोनों को, पहले दो को जिसकी रैंकिंग 1 और 2 है बराबर, इन दोनों को कौन कौन सी मशीन लग रही है, कौन कौन सी मशीन लग रही है, देखो मशीन 13 दोनों को लगती है, मशीन 13 दोनों को लगती है, मशीन 2 101 को लगती है, मशीन 15 107 को लगती है, करेक्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पार्ट 101 और 107 को कौन सी मशीन्स लगेंगी, तो मशीन 13 लगेंगी, मशीन 2 लगेगा और मशीन 15 लगेगा। तो इन तीन मशीन को एक साथ जोड़ दो, क्योंकि एक मशीन कॉमन है, कौन सी वाली, मशीन 13 वाली कॉमन है, वो दोनों पार्ट को लगेगी, मशीन 2 अलग लगेगी, मशीन 13 अलग लगेगी, तो मशीन 2, मशीन 13 और मशीन 15, इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, ये एक क्लस्टर बन गया, ये क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया। उसी तरीके से, इसी तरीके से पार्ट 104 को और 105 को क्या लगती हैं, ये दो 104, 105 और 108, इन तीनों के लिए ये एक क्लस्टर बन गया, ये क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया। तो भाई सेकंड क्लस्टर बना दीजिए, सेकंड क्लस्टर पार्ट 104 कॉमा 105 कॉमा 108, इनके लिए कौन सी मशीन, दो मशीन, मशीन 13 एंड मशीन 7, मशीन 13 एंड मशीन 7 बराबर। सोच के देखो 104 को क्या लग रहा है, मशीन 13 ए है, सॉरी ए है, ठीक है, ए है। हाँ जी, ध्यान दीजिए पार्ट मशीन 13 को ध्यान देना, अमन शांति से सोच मेरे साथ, सोच तेरे को खुद ही समझ आ जाएगा। देख क्या लग रहा है, 104 पार्ट को 13 ए भी लग रही है और 7 भी लग रही है, ठीक है सर, 13 ए भी लगी और 7 भी लगी, 105 को सिर्फ 13 ए लगी, लेकिन 13 ए किसके लिए लगी थी, किसके लिए लगी थी, 104 के लिए लगी थी, तो भाई 13 ए कॉमन हो गई इसलिए 105 के लिए लेनी पड़ी, और 108 के लिए M7, लेकिन M7 काई के लिए लगी थी, 104 के लिए लगी थी, तो इन तीनों मशीन्स को अपने को साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो कॉमन मशीन के बेस पर क्लस्टर बनाएंगे क्या सर, यस रोहित, अल्टीमेटली क्लस्टर देखो कॉमन मशीन का ही बन रहा है, क्लस्टर काई का बन रहा है, कॉमन मशीन का ही बन रहा है। अगर हाँ अभी भी नहीं समझ आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा पूजा, पहले तेरे को रैंकिंग तक सब समझ गया क्या पूजा तंबोली, क्या रैंकिंग तक समझ गया क्या, रैंकिंग तक समझ गया क्या पूजा जी, रैंकिंग तक समझ गया क्या, यस। तू क्लस्टर मैं बताता हूं तेरे को, सुन ले एक बार मेरी बात सुन ले, तेरे को जीवन भर नहीं भूलेगी, ये पक्का है। अब जरा ध्यान से सुन लो, जिनको अभी भी क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम हो गया कि क्लस्टर कैसे जोड़ा, देख भाई सिंपल बात है, मशीन 13, एक मशीन यहां लिखता हूं मैं, मशीन 13 पहली वाली बराबर, ये कॉमन मशीन थी, ये 101 के लिए भी लगती है और 10, ये दोनों मशीन काय के लिए, ये पार्ट 101 के लिए भी लगती है और 107 के लिए भी लगती है, ये कॉमन है, ये दोनों के लिए लगती है, यस सर बिल्कुल बात बराबर है सर। फिर इसके साथ जोड़ दो मशीन 2 और कौन सी मशीन, मशीन 15 ऐसी जोड़ दो, ध्यान दे दीजिए। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया, मशीन 2 और मशीन 15 को जोड़ दिया मैंने, मशीन 2 काय के लिए जरूरी है, मशीन 2 काय के लिए जरूरी है, 101 के लिए जरूरी है, तो
तो पार्ट 101 के लिए जरूरी है और मशीन 15 काई के लिए जरूरी है। अरे चुप बैठो रे, पहले इधर यहां मां जामल जामल। खैर 107 के लिए, पार्ट 107 के लिए तो ये चीज है। अरे यार अचानक कुत्ते चिल्ला भौंकने लगे। अरे कोई है क्या यहां? भगाओ यार बाहर। हाँ जी, अरे विंडो बंद कर दूंगा लेकिन यही। हाँ जी चलो, बंद हो गया उनका नाटक, बंद हो गया। ये सब बहुत आजकल है ना, ठंड आ गई है ना, बहुत जमा हो जाते हैं कुछ। खैर इन्हें कुछ कर नहीं सकते। हाँ जी सैटरडे, तो ये तीनों मिला करके। अरे कोई है क्या रे भाई? है ना। खैर एनीवे, तो ये हो गया एक हमारा, क्या हो गया? हाँ किसान आंदोलन कुत्तों का, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। तो M13, M2 और M15 को जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसी तरीके से काय का बेकार क्वेश्चन है अमन, छिलटू बात है, पूरा चीज सिर्फ समझाना, क्योंकि पहली बार देख रहे ना तो ऐसा लग रहा बाप रे बाप क्या कैलकुलेट कर रहे। झंडू बाम क्वेश्चन है, झंडू बाम क्वेश्चन है एकदम। ध्यान दो नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट ध्यान देंगे संबड़ी, चलो ध्यान दो। इसी तरीके से हमको तीन मशीन्स और लिखते हैं, कौन सी? एक मशीन लिखते हैं कौन सा वाला, जो कॉमन मशीन है, मशीन 13 ए। चलो ये एक मशीन 13 है और दूसरा मशीन 7। चलो ध्यान दो, मशीन 13 ए और मशीन 7। अगर ये देखें तो अब मशीन 13 ए दो पार्ट के लिए जरूरी है। कौन कौन से पार्ट के लिए जरूरी है? 104 के लिए और 105 के लिए, बराबर 104 और 105 के लिए, ठीक है। और हमारा मशीन 7 दो चीजों के लिए जरूरी है, काई काई के लिए जरूरी है 104। अच्छा मैं इसको एक काम करता, 104 को बीच में लिख देता तो ज्यादा बेटर। हाँ जी 104 को बीच में लिख देता। तो 104 के लिए ये भी मशीन चाहिए, ये भी मशीन चाहिए। 105 के लिए सिर्फ ये चाहिए, 107 के लिए क्या नंबर है, 108 के लिए ये चाहिए, इसलिए वो कॉमन बेसिस पे जुड़ गया। तो ऐसा बोला जा सकता है कि हमको पहले क्या चीज, देखो मशीन वाइज भी जुड़ा है और पार्ट वाइज भी जुड़ा है, इसीलिए अपन ने क्लस्टर क्या किए हैं इस तरीके से, दो क्लस्टर बने हैं। एक क्लस्टर ये पहला वाला क्लस्टर बनेगा और एक क्लस्टर ये हमारा सेकंड क्लस्टर बनेगा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ गई? मस्त है, आना चाहिए एग्जाम में। यस सर, नाउ गॉट इट। तो इन शॉर्ट एक बार मैं रिवाइज कर दूं, सुन लो सब लोग, एक मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ध्यान से सुन लो। सर इसकी थ्योरी क्या लिखे? इसकी थ्योरी इतनी ही लिखनी है कि हमने क्लस्टर वाइज अरेंज कर दिया, और कुछ थ्योरी नहीं लिखना है। गॉट इट सर? कुछ भी नहीं लिखना, मैं बताता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। इजी है बट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नो इट इज नॉट इवन टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग ओनली बिकॉज हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एक दो बार इसी तरीके का क्वेश्चन कर लोगे आपको छिलटू लगने लग जाएगा। सर इसके एक दो क्वेश्चन और है। हाँ जी बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है 5, वो आप होमवर्क करेंगे। 4 मैंने करवाया, 5 आप होमवर्क करेंगे। डन सर, ठीक है। एक बार सुन लीजिए करना क्या है, पहले वाली प्रोसेस से समझ लेते हैं। 5 रो और 5 कॉलम दी गई थी, कितनी रोज और कितनी कॉलम, 5 रो 5 कॉलम दी गई है, बराबर है। अगर इसी की जगह हमको किसी ने पूछा कि सर अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है, तो भाई अपने को रैंक द रो के हिसाब से चलना है, बराबर, रैंक द रो के हिसाब से चलना है। तो रो अगर कम ज्यादा हो जाती है तो आप रोज के हिसाब से चलेंगे। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि रैंक द रो करना है तो अपने को शुरू कहां से करना पड़ेगा। मान लीजिए कॉलम अलग हो जाते हैं, रोज अलग हो जाती हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 5 में आ जाएगा। तो अगर एक और रो जुड़ जाती है यहां पर, एक एग्जाम्पल के लिए एक और रो P100 जुड़ जाती,
तो हमको कुछ नहीं, हम यहां 32 नंबर ले लेते, 32 का रैंक दे देते, 2^6-1 ऐसा कर देते और शुरू हो जाते। बस इतना ही फर्क आता अगर हमारी एक रो आ जाती। डमी वाला सिस्टम नहीं है इसमें, कोई डमी वमी नहीं, जबरदस्ती ओआर खींचो मत इधर, ओआर छूट गया छोड़ दो अब उस चीज को, बराबर। ये चीज समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन 5 में 5x6 का मैट्रिक्स है, वही मैं बोल रहा हूं वृंदावन। तो हमको P100 तो कॉलम है ना सर? हाँ, तो P100 तो कॉलम है, तो पहले तो अपन कॉलम को ही तो रैंकिंग देते हैं, कॉलम को ही तो अपन क्या निकालते हैं, बाइनरी वेट्स निकालते हैं। तो कॉलम के बाइनरी वेट निकालते हैं, तो एक और कॉलम डाल के उसका बाइनरी वेट निकाल देना और फिर रैंक कर देना, सिंपल आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं अगले क्वेश्चन का पहला टेबल बता ही देता, जाने दो ना क्वेश्चन और झामल झामल नहीं तो कल की सर हमारा ये नहीं जमा। पहले रो को रैंक करते हैं, हाँ जी पहले रो को रैंक करेंगे, सिंपल है, रैंक द रो करोगे, पहली चीज रैंक द रो, बराबर। अब अगर अगले क्वेश्चन में देखो तो यहां पर P1 P2 P3 P4 P5 और P6 ऐसे 6 कॉलम्स है, ऐसे क्या है 6 कॉलम्स है। और रो देखोगे तो रो देखोगे तो हमारा यहां क्या नाम दिया इन्होंने, पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है यहां नाम क्लियर नहीं है, BCDEF है क्या? ओके, MB MEB MC MD ME और MF ऐसी रोज है, ठीक है, MB MC MD ME MF इस तरीके की क्या है रोज दे रखी है, इस तरीके की रोज दे रखी है। और आपको 1 दिया हुआ है, P3 में 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, फिर इन दोनों में 1 और 1 है, फिर इधर 1 है, फिर नीचे 1 है, फिर पहले दो में 1 है, और यहां पर इन दोनों में 1 है, P5 और P6 में, ठीक है। ऐसी रंगोली बनाई हुई है, सारी की सारी क्या है रंगोली बनाई हुई है, पहले में ऊपर में 2, फिर 3 है क्या, यहां पर भी एक 1 है, ठीक है। सेकंड वाले में ये तीनों में P4 P5 P6, बीच वाले में 2 में ही है, फिर नीचे 3 में है, 3 में है, और लास्ट वाले में भी 3 में है, ठीक। अब इनकी रैंकिंग देनी है तो जो बाइनरी वेट लेते हो वो यहां से शुरू करना पड़ेगा, 32 16 8 4 2 1, बस इतना अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। एक एक कॉलम और डाला, एक बाइनरी वेट और डाल देना, अगर P7 होते तो डाल देना कहां से, 64 से शुरू कर देना, 64 32 16 18 and so on, बराबर ऐसा आ जाएगा। DE निकाल दो, अब चलो एक DE निकाल दो और रैंकिंग दे दो, उसके बाद घर में करना आराम से बैठ करके। तो पहले वाले का 8+2 10 आएगा क्या, 8 नहीं, फर्स्ट वाले का 8+2 10 आएगा क्या, यस सर, पहले वाले का 10 सर। दूसरे वाले में 4 2 and 1 7 आएगा क्या, यस सर। 13 and 16 48 आएगा क्या, यस सर। 8 2 and 1 11 आएगा क्या, यस सर। 32 16 and 4 52 आएगा क्या, यस सर। आ गया मेरा सारा चीज, देखो तो इतना तो छिलटू था, अब रैंक कर दो। कितना टाइम लगा बताओ मेरे को, कितना टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग, घंटा टाइम कंज्यूमिंग, पहली बार था इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग, बराबर। अब काय का टाइम कंज्यूमिंग, घंटा टाइम कंज्यूमिंग। हाँ जी सर, ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है, तो मैं 5th का ही तो बता रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही तो बता रहा हूं मैं। क्या हो गया अनूप, जागो मोहन प्यारे, पूरा हो गया अब बोल रहा तू, ये 5th क्वेश्चन है। चलो रैंक दे दो, रैंक दे दो भाई, तो रैंक आ जाएगी ये 1 ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 और ये 5 रैंक आ जाएगी। चलो रैंक आ गई, हाँ जी।
6 टू द पावर, हाँ जी, ये कैसे आया, ये 32 कैसे आया, तो ये ऐसा आया 2 टू द पावर 6 माइनस 1 बराबर, तो 2 टू द पावर 5 32, ये आया 2 टू द पावर क्या चीज 6 माइनस 2, 2 टू द पावर 6 माइनस 3, 2 टू द पावर 6 माइनस 4, 2 टू द पावर 6 माइनस 5 एंड 2 टू द पावर 6 माइनस 6 ऐसा आ गया। मोहित इसके बाद वाले में बी डब्ल्यू रैंक द कॉलम में 16 से शुरू होगा, हाँ इसके बाद जो कॉलम का रैंकिंग होगा वो कैसे शुरू होगा 16 से, जी मोहित करेक्ट, हाँ जी जी रोहित करेक्ट, मोहित करेक्ट बोल रहा है, इसके बाद जब अपन काई में जाएंगे रैंक में जाएंगे तो उधर में अपन ने बी डब्ल्यू, क्योंकि अभी ऊपर नीचे आएंगे, इसका मतलब ऐसा समझ ले मोहित ऐसा होने वाला है कि एम एफ पहले नंबर पे आ जाएगा, एम एफ पहले नंबर पे आ जाएगा, एम डी काय पर आ जाएगा सेकंड नंबर पे आ जाएगा, एम ई थर्ड नंबर पे आ जाएगा बेटा, एम ई थर्ड नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद आपका एम कौन है ए बी एम बी ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, एम बी फोर्थ नंबर पे आ जाएगा और एम सी लास्ट नंबर पे आ जाएगा। तो अब जब तू बी डब्ल्यू कंसिडर करेगा, यहां पर बी डब्ल्यू कंसिडर करेगा तो 16 से 8 4 2 1 से शुरू करना, बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को, समझ में आ गया सर, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 एंड 2 एक बार डिस्कस कर लो, हाँ जी वो भी डिस्कस कर लेता हूं 1 एंड 2, गॉट इट सर, क्रिस्टल क्लियर सर, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर सर, समझ में आ गया है सर, ठीक है भाई एकदम, काय का इतना सा आधी घंटे का भी क्वेश्चन नहीं है, दोनों क्वेश्चन मिला के एक्चुअली एक बार समझ आ जाए तो हाफ एन आवर का भी नहीं है, इजी है, हाफ एन आवर का भी क्वेश्चन नहीं है। आ जाओ जरा मैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट एंड, आईसीए का आंसर देखकर टेंशन प्लस झामल झामल हो गया था, ठीक है ना, मेरा बात समझ में आ गई ना तेरे को, अब समझ गया ना, तो छोड़ दे, कॉमन डी आया तो रैंक सेम आएगा, जी करेक्ट बात है, कॉमन डी आया तो सेम रैंक आएगा, गॉट इट, न्यू कंसेप्ट फॉर अस, आई सर ठीक है, चलो ध्यान दो सभी को, अगर ये समझ गया इसको बोलते हैं रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन नंबर 4 में चंद बातें और भी दे रखी थी, चंद बातें और भी दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान दो हमको क्या आंसर भी करना था, डिस्कस द कंसेप्ट कंसर्न एक्सप्रेस बाय मिस्टर मिश्रा ओवर यूटिलिटी ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। मिश्रा जी बोले कि भाई हमारी कंपनी में सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग काम की नहीं है, मैं इसका कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको इस चीज का ऑडिट करा देता हूं, वो डिस्कस कर लेता हूं इधर, आ जाओ जरा ऑडिट कर लेते अपन, कौन सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, मिश्रा जी की बात पर अपन जरा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑडिट कर लेते हैं, सभी लोग सॉल्यूशन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लो तो बन जाएगा, फिर एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज के लिए बस करते हैं, क्योंकि नया पढ़ा ना अभी तो नया लग जाएगा, तो एक आधा क्वेश्चन इजी वाला एमसी कैलकुलेट करने वाला कर लेते हैं। ये रहा, ध्यान दो, देखो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि भाई सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं आई सर, कल का शेड्यूल बाद में बताता हूं, पहले ये सुन ले, कल वैसे संडे है, कोई शेड्यूल नहीं है, कल रात को फाइनल भी है तो कल कोई शेड्यूल नहीं है आपका, सीधा मंडे का शेड्यूल है, सिंपल बात है, सीधा मंडे का शेड्यूल है। हाँ टेस्ट अगर देना चाहते हो तो बता दो कि कौन से टॉपिक पे, तो टेस्ट रख सकते हैं। हाँ मजा आ गया, चल ध्यान दे, मंडे एट 4 PM, यस मंडे एट 4 PM केस स्टडी एंड मंडे एट 10 PM आरटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टेस्ट, मैथ्यू वेड का नाम, ठीक है मैथ्यू वेड का नाम क्या रख दिए, माधा रख दिए, अच्छा ठीक है, ध्यान दो जरा, अभी ध्यान दो इधर, आप मंडे और सैटरडे बोले ना केस स्टडी, हाँ तो मंडे ही तो बोल रहा हूं मैं, 4 बजे
मंडे ही तो बोल रहा हूं, 4 बजे केस स्टडी रखेंगे। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इज अ लीन वे, तो लीन सिस्टम का तरीका है जो आपका क्या परफॉर्मेंस एनहेंस करता है, अभी आपने देखा, और आप टाइम एंड मोशन स्टडी को इन्वॉल्व करते हो, मतलब लेबर को भी इन्वॉल्व कर। जैसे कि आपने कहा कि आपके मॉम का किचन, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि चीजें इस तरीके से अरेंज करती हैं मॉम आपकी कि उनको मिनिमम मोशन में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, उनको ज्यादा चलना ना पड़े, ज्यादा मूव ना करना पड़े, और चीजें इस तरीके से अरेंज रहती हैं कि उनको तुरंत मिल जाए। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी आती है, वो कम समय में कई सारे लोगों का खाना बना करके खिला देती है, बराबर। तो सेम चीज कम टाइम में रोटी सब्जी सब बन जाएगा, करेक्ट बात है। तो वही चीज सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज नथिंग बट अ ग्रुप टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? ग्रुप टेक्नोलॉजी है, जहां हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ऐसे सेल्स या ऐसे क्लस्टर ऑफ मशीन्स में कन्वर्ट कर दोगे तो इसके कई सारे बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है? तो भाई इसको समझा रहे हैं हम, मिश्रा जी को समझा रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा सेटअप टाइम कम हो जाएगा, हमारा फ्लो टाइम कम हो जाएगा, हमारा लीड टाइम कम हो जाएगा, हमारा WIP का टाइम बच जाएगा, WIP इन्वेंटरी कम से कम रहेगी, क्योंकि फास्ट प्रोडक्शन होगा तो ओवरऑल WIP में इन्वेंटरी कम फंसी रहेगी। हम बेहतर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर पाएंगे, हम बेटर क्या कर पाएंगे, शेड्यूल कर पाएंगे। हाँ, तख्त टाइम लीड टाइम एक ही बात है अभी यहां पर, तख्त टाइम और लीड टाइम वैसे तो डिफरेंट होता है। तक टाइम तो वो टाइम होता है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और लीड टाइम वो टाइम होता है कि मेरे एंड से कस्टमर एंड तक या सप्लायर के एंड से अपने एंड तक लाने का टाइम, रॉ मटेरियल लाने का या फिनिश गुड्स भेजने का टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ, हमारा ग्रुप का कोहेसिवनेस, यस, कंट्रोल बढ़ता है, अपनी इक्विपमेंट और मशीनरी बेहतर यूज होती है, यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। यस, लीड टाइम इन्वेंटरी का होता है और टक टाइम प्रोडक्शन का, फंड ब्लॉक नहीं होगा। ये कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आप किसको बता देना, मिस्टर मिश्रा को बता देना। तो मिश्रा जी, रिगार्डिंग द यूटिलिटी ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग टू एनहांस इज नॉट मटीरियल, तो जो मिश्रा जी का कंसर्न है वो इशू ही नहीं है। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इतने सारी चीजों को रिड्यूस कर देगा बोला है। आज एकदम सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग एकदम विद प्रॉब्लम डिटेल में हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा चीज देखिए क्या बोल रहा है कि मशीन सेल, सब लोग ध्यान दो, देखो मशीन का जो सेल डिजाइन है वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकती है जिसको अपन बोलते हैं सिंगल मशीन सेल। सिंगल मशीन सेल मतलब जहां पर आपकी क्या एक फैमिली के एक टाइप की मशीन्स को हम लोग इस तरीके से आपस में जोड़ देते हैं कि वो दिखाई देती है एक ही मशीन। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार, क्या कार एक मशीन है कि मल्टीपल पार्ट्स को जोड़ करके बनाई गई से मशीन है? कार एक मशीन है बट एक्चुअली इट इज नॉट अ एक मशीन, इट इज नॉट एक मशीन, इट इज इंजन अलग है, चेचिस अलग है, चक्के अलग है, स्टेयरिंग व्हील अलग है, शाफ्ट अलग है, पिस्टन अलग है, कार्बोरेटर अलग है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन 1000 पार्ट्स को आपने इस तरीके से अरेंज कर दिया, इस तरीके से असेंबल कर दिया कि फाइनल प्रोडक्ट एक मशीन है। करेक्ट अंकिता, फाइनल प्रोडक्ट एक मशीन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर की भी बात करें तो कंप्यूटर में भी अगर अपन बात करें, जी के रोहित शर्मा जी ने अच्छा एग्जांपल दिया कि सीपीयू अलग है, इनपुट डिवाइस अलग है, आउटपुट डिवाइस अलग है, कैमरा अलग है, मॉनिटर अलग है, से ऐसा बोला जा सकता है ढेर सारे डिवाइसेस है, तो राउटर, रिपीटर, स्विच, गेटवे, हब, ऑनलाइन एक्सेस, अपडेट टर्मिनल, मल्टीपल है, कंट्रोल सिस्टम, सीपीयू, वेबकैम, स्कैनर, प्रिंटर, सब अलग है, बराबर। लेकिन उनको हम लोग एक साथ जोड़कर एक ही मशीन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर।
प्रिंटर अपने बगैर काम नहीं करेगा, स्कैनर कंप्यूटर के बगैर काम नहीं, सीपीयू अपना अकेला कोई काम नहीं, मॉनिटर अपना अकेला कोई काम नहीं, कीबोर्ड अपना अकेला कोई काम नहीं। जब इन सब चीजों को साथ में जोड़ोगे तब जाकर के क्या होगा, सिंगल मशीन सेल बन पाएगा और तब जाके आपका प्रोडक्ट। तो अगर ऐसा बोल सकते कंसिस्ट ऑफ मशीन प्लस सपोर्टिंग फिक्स्चर्स। सिंगल मशीन जब बोलते हैं तो एक मशीन रहती है और उसके साथ क्या रहते हैं, सपोर्टिंग फीचर्स रहते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा पार्ट को आपस में जोड़ देते हैं। दिस कैन बी अप्लाइड टू वर्क पार्ट दैट आर मेड बाय वन टाइप ऑफ प्रोसेस सच एज टर्निंग और मिलिंग और कई सारे एग्जाम्पल जो अभी अपन ने दिए, जैसे कार की बात बोली। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है ग्रुप ऑफ मशीन को जोड़ा जाता है। क्या है, किस चीज को जोड़ा जाता है, ग्रुप ऑफ मशीन। अभी देखो कंप्यूटर में कीबोर्ड अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, कैमरा अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, सीपीयू अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन जब आपकी मॉम का कुक करती है, जब आपकी मॉम कुक करती है तो गैस अपने आप में काफी है, गैस इज सफिशियंट टूल ऐसा बोला जा सकता है अपने आप में। इसी तरीके से अगर ओवन है तो वो अपने आप में एक मशीन है, अगर अपन क्या मिक्सर ग्राइंडर है तो वो अपने आप में एक मशीन है, तो एवरी। लेकिन इन सब को अगर अपन जोड़ दें तो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मशीन्स, मोर देन वन मशीन जो कलेक्टिवली वन और मोर पार्ट ऑफ फैमिलीज है। तो भाई ओवन गैस से एकदम अलग है, मिक्सर ओवन से एकदम अलग है, फ्रिज आपका इन सब से अलग है, लेकिन सबको जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक पार्ट बना देते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप मशीन सेल। दूसरा तरीका ग्रुप ऑफ मशीन सेल विथ मैनुअल हैंडलिंग। अब फ्रिज में से दूध दही निकालना है तो मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ती है आपकी मॉम को, अगर मिक्सर चलाना है तो मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ती है आपकी मॉम को, वो पॉट वॉट में डालना पड़ता, रोटी बनानी है तो मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ती है, बराबर। तीसरा तरीका हो सकता है, थर्ड मेथड हो सकता है ग्रुप ऑफ मशीन सेल विद सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग। सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग में हम लोग क्या कर देते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, कुछ पार्ट मैनुअल हैंडल करने की जरूरत है, कुछ पार्ट आपको मैनुअल हैंडल करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कुछ इसमें कन्वेयर बेल्ट वेल्ट रहता है जो ऑटोमेटिक चलता रहता है और कुछ चीजें हमको मैनुअली हैंडल करना पड़ता है। तो जैसे यहां पर बोला है कि कन्वेयर बेल्ट मैकेनिकल एंड मैनुअल का मिक्सचर, करेक्ट बात है, तो मैकेनिकल एंड मैनुअल का मिक्सचर, कुछ पार्ट ऐसा बेल्ट चलते रहेंगे जिसपे मटेरियल आ जाएगा, नेक्स्ट मशीन तक पहुंच जाएगा, नेक्स्ट मशीन में एंटर, और कुछ चीजें आपको मैनुअली हैंडल करनी पड़ेगी। ये काफी देर बट याद करना पड़ेगा, काय को याद करना पड़ेगा, जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं तो वो एग्जाम्पल देता चला जा कि यहां पर लिख दे कार, यहां पर लिख दे किचन, किचन और यहां पर लिख दे कोई सेमी, कोई इंडस्ट्री की बात कर ले जिसमें क्या कन्वेयर बेल्ट पर कुछ चीजें चलती रहती है, कुछ मैनुअली चलती रहती है, और लास्ट वाली जिसको अपन हाईली ऑटोमेटेड फुल्ली ऑटोमेटेड कैम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, जैसे बॉटलिंग प्लांट, पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री, बिल्कुल लिखा जा सकता है यहाँ पार्ले जी, पार्ले जी की बिस्किट फैक्ट्री, पैकिंग ऑफ वाटर। तो ये चीज फुल्ली इंटीग्रेटेड अगर देखे जहां पर किसी का ही नहीं, ये जनरली क्या कार मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग इस तरह, कार मैन्युफैक्चरिंग में एक सिंगल नट भी ह्यूमन नहीं लगाता आज। आज जितनी कार्स बनती हैं सारी चीज कौन, रोबोटिक आर्म्स रहते हैं जो कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए रहते हैं, कैम सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है, रोबोटिक आर्म्स क्या करते हैं मशीनिंग या असेंबलिंग करते हैं और कार बन जाती है, बराबर, क्या बन जाती है, कार बन जाती है। तो दैट इज कार मैन्युफैक्चरिंग का तरीका, कैम सॉफ्टवेयर, कैम सॉफ्टवेयर ये फुल्ली ऑटोमेटिक, इस तरीके को हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, हाईली ऑटोमेटेड मशीन जो टेक्नोलॉजी को यूज करती है, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग स्टेशंस यूज करती है और पूरा मटेरियल रोबोट्स हैंडल करते हैं। तो हेल्थ हैजार्ड प्रोडक्ट, ड्रग मैन्युफैक्चर, ये सारी चीजें मोस्टली ऑटोमेटेड बनती है, करेक्ट बात बोल रहा है।
तो ऐसे चार तरीके के क्या है, मैंने पार्ट वन और पार्ट टू भी डिस्कस कर लिया। आइए एक छिलटू सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू या थ्री कर लेते हैं, वन पे नहीं जाता मैं अभी, थ्योरी मेरा केस स्टडी का मूड नहीं है, क्वेश्चन नंबर टू कर लेते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर वन का मूड नहीं है, केस स्टडी का मूड नहीं है, थ्योरी बहुत हो गई, एमसीई वाला कर लेते हैं एक और आज के लिए बंद करते हैं। हाँ जी लास्ट, बस यस मेरे हिसाब से भी लास्ट। अमन ने बोला क्वेश्चन नंबर टू तो मैंने बोल दिया, अब अमन की बात तो मैं आप जानते ही हो कि अमन की बात तो मैं बिल्कुल भी टालता नहीं, जैसा अमन ने बोला वैसा तो करना जरूरी है ना हमको, तो ध्यान दे तभी तो अमन चैन बना रहेगा हिंदुस्तान में और अपनी क्लास में भी। खैर सर मजे ले रहे हो, सही बात है भाई, मजे कहाँ ले रहा हूँ यार अमन, अब मेरे ऐसे दिन आए कि तेरी मजे लेने पड़े, हद हो गई भाई हद हो गई, सर आप तो ना सर गजब ही हो सर, कुछ भी है ना, खैर खैर आराम, ये अलग मजे लिए। हाँ जी अमन कुछ सोच रहा हूँ, सोच सोच सोच, चल आ जा ध्यान दे, ठीक है आ जा भाई। क्वेश्चन नंबर टू, सर आप भी ना सर मानोगे नहीं है, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर टू, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ये खुद अटेम्प्ट करके एक बार, हाँ अमन बिल्कुल ट्राई करना इसको एक बार, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव एक बार अटेम्प्ट करना तो बन जाएगा। हाँ नहीं नहीं सर को नहीं लगता सर भगवान है, पागल है क्या, ऐसा नहीं लगता भाई। हाँ चलो ध्यान दो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, शीतल बेयरिंग बॉल्स, अच्छा ये ट्राई करोगे ऐसा बोल रहे हो, अमन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू, नहीं ना आप कर ले अमन, मैंने एक बार कर लिया तो अब कर ले यार, तेरे बोलने पर ये ले लिया तो अब कर ही ले, ओई भूल गए काय का भूल गए, अरे बार बार भूल बहुत जाते हो तुम, कुछ भी नहीं था ओई कंसेप्ट में, तो कुछ भी नहीं था, आपको परफॉर्मेंस साइकिल निकालनी है, आपको अवेलेबिलिटी निकालनी है, और आपको क्या निकालना है, तीन चीजें निकालनी है भाई आपको, अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस और से क्वालिटी, तीनों को मल्टीप्लाई कर ओई निकल आता है। आ जाओ जरा देखते हैं, आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, बहुत ही चिल्टू टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी प्लस परफॉर्मेंस प्लस क्वालिटी, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी अगर निकालना है तो हमारा अवेलेबिलिटी रेट मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी रेट, ये फॉर्मूला है बराबर। इसमें हमने पढ़ रखा था कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तब रहती है जब 85% के ऊपर ओई रहता है, तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रहती है, ध्यान दो। हाँ जी जल्दी से, ठीक है ध्यान दो। तो शीतल बियरिंग बॉल्स लिमिटेड इज अ फेमस नेम ऑफ बियरिंग बॉल ऑफ डिफरेंट साइज, मिस्टर सयाल रिसेंटली ज्वाइंड मैनेजर प्रोडक्शन ऑन ऑपरेशन एट 3 यूनिट लुधियाना प्लांट ऑफ SBBL, बेयरिंग 10 मिलीमीटर डायमीटर स्टील बॉल बेयरिंग फॉर बाइसिकल आर मैन्युफैक्चर्ड, द प्लांट इज लार्जली ऑटोमेटेड एंड लैस्ड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन, ठीक है जो भी है। फ्रॉम मिस्टर सिंह प्लांट अकाउंटेंट मिस्टर सयाल कम टू नो दैट सम मशीन आर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वर्कर आर मोटिवेटेड ड्यू टू द लिबरल वर्कमैन पॉलिसी ऑफ SBBL, hence productivity and quality is and was never an issue but availability is, तो productivity और quality issue नहीं है लेकिन क्या का issue है availability का। over lunch when Mr. Sayal greets Mr. Kumar plant head he also expresses his worry over excessive downtime and optimum use of limiting factor, ठीक है। next Mr. Sayal while navigating the ERP and reviewing the file and other document handed over to him which was prepared and maintained by his predecessor come across a OEE 93.555% measure during last week of machine 10M bearing during a normal shift, so ye ek normal shift mein aapko ye dikhai de raha hai, since the said machine has high performance rate of 105% hence Mr. Sayal decide to dig deep into the composite OEE in the normal shift of 9 hours, chalo aa jao re
Now, workers are allowed to take two short breaks of 15 minutes and कितने मिनट का से चलो 9 घंटे में टोटल मिनट कितने जल्दी से बताओ 9 घंटे में टोटल मिनट कितने 9 घंटे में टोटल अमन ने बताया 540 तो आ जाओ अपना टोटल पॉसिबल प्लैंड प्रोडक्शन टाइम निकालते हैं अपन तो टोटल टाइम अपने पास कितना 9 hours into 60 minutes तो मेरे पास टाइम हो जाएगा 540 मिनट इसमें से प्लैंड डाउन टाइम कितना रहेगा प्लैंड डाउन टाइम रहेगा 2 breaks into 15 minutes 30 मिनट्स गए उसके अलावा क्या बोल रहा है लंच ब्रेक 30 मिनट वो भी प्लान डाउन टाइम में आएगा लंच ब्रेक माइनस कर दो 30 मिनट तो माइनस करने के बाद मेरे पास प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम कितना बच जाता है 480 मिनट का बच जाता है 480 मिनट्स बराबर 480 मिनट्स का मेरे पास क्या बच जाता है प्लैंड प्रोडक्शन टाइम बच जाता है ठीक बात है आगे पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है देख लो ड्यूरिंग सच नॉर्मल शिफ्ट आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर 27,216 बेयरिंग बाय सेड मशीन 272 बॉल्स आर फाउंड डिफेक्टिव तो ये अवेलेबल क्वालिटी की बात कर रहा है 272 बॉल्स क्या हो गए रिजेक्ट हो गए ठीक है डिटरमाइन द अनप्लैंड डाउन टाइम विटनेस्ड बाय द मशीन 107 बेयरिंग एडवाइस द बेस्ट वे आउट टू रिड्यूस द सेम तो हमको क्या निकालना है भाई अनप्लैंड डाउन टाइम निकालना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ठीक है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा रिवर्स कैलकुलेशन है उल्टा कैलकुलेशन है अब प्रॉब्लम में हमारा कितना परसेंट ओईई दिया हुआ है ओईई कितने परसेंट दिया हुआ है अच्छा पहले एक एक पार्ट कर लेते हैं अपने पास कौन सा रेशो क्वालिटी का तो इशू पता है अपने को क्वालिटी पता है क्वालिटी रेशो निकाल दो पहले क्वालिटी रेशो निकाल दो तो क्वालिटी का रेट निकालना है तो सब बहुत ही आसान सा तरीका है कि हमारा टोटल क्वालिटी रेट देखो अपने बने थे 27,216 उसमें से डिफेक्टिव है 272 डिवाइडेड बाय 27,216 निकाल दो तो क्वालिटी रेट निकाल दो हाँ गुड यूनिट डिवाइड बाय टोटल यूनिट करके निकाल दो 99% आ गया अच्छा अपने को एक और रेशो दिया हुआ है 105% रेशो दिया हुआ है प्रॉब्लम में क्वाय का रेशो परफॉर्मेंस रेशो या कोई एक रेशो 105% दिया था एफिशिएंसी रेशो दिया हुआ है देखो चेक करो प्रॉब्लम में कौन सा रेशो दिया हुआ है पढ़ लेता हूं मैं भी 105% क्या बोला है परफॉर्मेंस रेशो मशीन एज अ हाई परफॉर्मेंस रेट ऑफ 105% परफॉर्मेंस दिया हुआ है तो क्वालिटी रेशो पता है परफॉर्मेंस रेशो भी पता है प्रॉब्लम में कि हमको 105% का दिया हुआ है और ओईई इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी रेशो इंटू परफॉर्मेंस रेशो इंटू क्वालिटी रेशो ऐसा तीन रेशो ओईई भी प्रॉब्लम में दे रखा है 93.555% इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी रेशो इंटू 105% इंटू 99% ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन से अवेलेबिलिटी रेशो निकल आएगा अवेलेबिलिटी रेशो निकालो तो जल्दी से निकालो रिवर्स कैलकुलेशन से अवेलेबिलिटी रेशो कैलकुलेट कर बताओ तो अवेलेबिलिटी रेशो 90% आ जाएगा कर देख लो 93.555 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय 99 इनटू 100 तो 90% आ रहा है करेक्ट है 90% आ रहा है करेक्ट बात है अच्छा 90% अगर अवेलेबिलिटी रेशो है क्या मैं ऐसा बोलूं कि अवेलेबिलिटी रेशो इज इक्वल टू आपका इफेक्टिव टाइम या एक्चुअल टाइम अवेलेबल
एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय प्लैंड प्रोडक्शन टाइम, ये बरोबर है क्या? ये बरोबर है क्या? एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय प्लैंड प्रोडक्शन टाइम, क्या ये बरोबर है क्या? अवेलेबिलिटी रेशियो, यस सर बिल्कुल बराबर है। तो अपना एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम कैसे निकल आएगा? कितना टाइम अपन ने काम किया है? एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी रेशियो 90% इनटू प्लैंड प्रोडक्शन टाइम। प्लैंड प्रोडक्शन टाइम ऊपर 480 आया ही था एज पर अमेंडेड फॉर्मूला, करेक्ट। हाँ ये अमेंडेड वाला ही यूज करना, ओरिजिनल तो यूज ही नहीं करना आप। तो ये आ जाएगा 432। इसका मतलब मेरा 48 मिनट्स का क्या है? अनप्लैंड डाउन टाइम है। देयरफॉर अनप्लैंड डाउन टाइम जो अपने को प्रॉब्लम में पूछा था, अनप्लैंड डाउन टाइम इज इक्वल टू 480 माइनस 432, 48 मिनट। ये बात क्या निकाल दिया मैंने? अनप्लैंड डाउन टाइम निकाल दिया। ये पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर, ये पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर, अनप्लैंड डाउन टाइम निकाल दिया है 48। डन सर। तो पहला पार्ट तो डन सर, फर्स्ट पार्ट जो पूछ रखा था वो वाली चीज बन गई हमारी। क्या चीज? अनप्लैंड डाउन टाइम। मेजर द आइडल साइकिल टाइम टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल बेयरिंग बॉल एंड अप्लाई गोल्ड रैट 5 steps दैट कैन बी अप्लाइड टू रिमूव बॉटल नेक। ठीक है भाई। सर ये कौन सा चैप्टर में था ऐसा? ये एमसीई कौन से चैप्टर में था? चलिए जल्दी से बता दें, एमसीई चैप्टर नंबर 4, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। हाँ जी ओके सर ठीक। मैराथन आने दो सब याद आ जाएगा। जी करेक्ट बात है, मैराथन आने दो सब याद आ जाएगा। बट अभी भी मैराथन जैसा ही तो चल रहा है, एक एक कंसेप्ट बस चैप्टर वाइज नहीं चल रहा है, रैंडम चल रहा है। बट ये रैंडम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारी चीजें क्या रहने वाली है? रैंडम रहने वाली है। तो इसीलिए अपने को ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या करना? हाँ जी रैंडम निकालना बहुत है। आ रहा है धीरे धीरे सब याद, अच्छे से आ जाएगा। रे इतना डिटेल में पढ़ाया है तो आएगा याद, और उसके बाद तो अपन ने ये 3-4 पेपर कर ले तेरा सब जान। सेकंड पार्ट निकालते हैं, आइडियल साइकिल टाइम टू मैन्युफैक्चर सिंगल बॉल बेयरिंग। आइडियल टाइम कितना लगना चाहिए एक बेयरिंग मैन्युफैक्चर करने के लिए? अपन निकालते हैं एक बेयरिंग। मुझे बताइए तुम्हारे पास टोटल टाइम अवेलेबल कितना था? कितना टाइम अवेलेबल था? पार्ट वन का सेकंड पार्ट, हाँ जी पार्ट वन का सेकंड पार्ट कुछ पूछा है क्या? अब इस पे आ गया, वापस आ जाऊंगा उधर, सुन ले। आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल कितना था? नहीं नहीं एक्चुअल में तो 432 मिनट ही था आपको, देखो 432 मिनट ही थे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस रेट 105% है। देखो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सब लोग ध्यान दो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने? 27,000 कितने बनाए रे तुम लोगों ने? हाँ 27,216 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 27,216 यूनिट बनाए टोटल हमने, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने 27,216 यूनिट बनाए तो इन शॉर्ट एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? आइडियली हमारा परफॉर्मेंस रेशियो कितना रहता है? हमारा परफॉर्मेंस रेशियो कितना रहता है? परफॉर्मेंस रेशियो कितना रहता है? 105% रहता है, 105% रहता है, करेक्ट है क्या? यस और नो? Yes or no? और हमने एक्चुअल टाइम अब भी निकाला, एक्चुअल टाइम 432 मिनट्स लिया है, करेक्ट है क्या? एक्चुअल टाइम 432 मिनट्स लिया हुआ है। यस सर, यस सर। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलूं क्या, क्या मैं ऐसा बोलूं कि मेरा परफॉर्मेंस रेशियो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड
डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम, ऐसा ही रहता है क्या मेरा परफॉर्मेंस रेशो का फॉर्मूला? यस और नो? परफॉर्मेंस रेशो का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। यस सर, बिल्कुल करेक्ट बात है सर, आपकी एकदम करेक्ट बात है सर। अगर ये करेक्ट बात है तो फिर अपन यहां स्टैंडर्ड टाइम अलाउड अलाउड डिवाइडेड बाय 432 इज इक्वल टू 105%। करेक्ट। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड बताना तो कितना, जो काम आपको अलाउड, कितना टाइम अलाउड था? 453.60 मिनट। तो 453.60 मिनट्स मिनट्स मिनट्स, तो इनटू अगर मैं 60 करूं तो इतने सेकेंड्स आ जाएंगे। करिए 453.60 डिवाइड, या अपन ऐसा भी ना करें तो भी चल जाएगा, ठीक है। इतना टाइम अलाउड था कितने यूनिट बनाने के लिए, कितने यूनिट बनाने के लिए? 27,216। देयरफॉर टाइम अलाउड पर यूनिट कितना आएगा? टाइम 453.60 डिवाइडेड बाय 27,216, तो आपका आंसर आता है 0.1 कितना 0.166666 मिनट मिनट। इंटू 60 कर दो तो सेकेंड्स में आ जाएगा, इंटू 60 कर दो तो काय में आ जाएगा, सेकेंड्स में आ जाएगा। तो टाइम अलाउड इंटू 60 कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड आ जाएगा। तो एक यूनिट को 1 सेकेंड, इन शॉर्ट एक यूनिट बनाने के लिए आइडल टाइम 1 सेकेंड था, एक यूनिट बनाने के लिए 1 सेकेंड लगना चाहिए था। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई क्या? यस और नो? हाँ, 1/60 पार्ट ऑफ अ मिनट, वही एक बार। हाँ जी सर, तो सिंपल सा चीज किया मैंने, आइडल साइकिल टाइम निकालना था तो मैंने लिखा कि यूनिट प्रोड्यूस 27,216, हमारा परफॉर्मेंस रेट 105%। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो एक्चुअल टाइम हमारा 432 मिनट्स, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड बाय एक्चुअल टाइम डिवाइड कर देंगे, परफॉर्मेंस रेशो आ जाएगा। तो इससे स्टैंडर्ड टाइम अलाउड निकल गया, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय यूनिट करो तो पर यूनिट टाइम आ गया, इंटू 60 करो तो सेकेंड्स में आ गया। बस बात इतनी है, ठीक बात है। ये भी बन गया मेरा सेकेंड पार्ट बन गया। थर्ड पार्ट थ्योरी है, मैं वहीं चेक करा देता, मैं उसको लिखते नहीं बैठता। थर्ड पार्ट देख लो क्वेश्चन का क्या बोला हुआ है। हाँ जी, ध्यान दो, थर्ड पार्ट देख लो। अप्लाई गोल्ड रैट 5 स्टेप्स दैट कैन बी अप्लाइड टू रिमूव द बॉटल नेक। तो 5 स्टेप, 1 मिनट सर, अच्छा नोटिंग बाकी है, ठीक है, लिख ले लिख ले। हाँ जी, लिख लो लिख लो अंकिता, लिख लो, कोई बात नहीं, नोटिंग बाकी है तो लिख लो। गोल्ड रैट मेथड पूछ रखी है, करेक्ट है बाहुबली जी, वेरी गुड बेटा। आइडेंटिफाई बॉटल नेक, एक्सप्लॉइटिंग द बॉटल नेक, आइडियल मतलब जितना टाइम तुमको अलाउड था। क्या नाम? रोहित। टाइम अलाउड मतलब ही आइडियल, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अमन ने और किसने, बाहुबली जी ने आंसर दे ही दिया है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई बॉटलनेक करना है, बॉटलनेक आइडेंटिफाई, फिर एक्सप्लॉइट करना है, ये पढ़ रखा है हमने, अपनी नोटबुक में लिख भी रखा है। फिर हमको क्या करना है? सबऑर्डिनेट, एलिवेट एंड रिपीट करना है। तो सबऑर्डिनेट, एलिवेट एंड रिपीट, वही प्रोसेस क्या करते चलनी है? रिपीट करते चलनी है। ऐसा किसने बताया था? नोटिंग डन सर। सर स्टेप 3 प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी, सबऑर्डिनेट मतलब उसको करने के लिए जो जो चीजें आपको लगेंगी वो सब इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट, ठीक है। ये सर, ओके सर। तो ये देख भाई, आइडेंटिफाई द सिस्टम बॉटलनेक, तो सबसे पहले आपका बॉटलनेक आइडेंटिफाई करो बराबर, कि कौन सा चीज आपके सबसे, कौन सी बॉटलनेक एक्टिविटी है।
फिर एक्सप्लॉइट द बॉटल नेक. एक्सप्लॉइट द बॉटल नेक मतलब ही कि हमको कैसे वो बॉटल नेक को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, फुल्ली यूटिलाइज एंड देयर टू ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, लिमिटिंग फैक्टर को 100% कैसे यूज किया. फिर कोई नॉन बॉटल नेक एक्टिविटीज आर सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज. तो नॉन बॉटल नेक एक्टिविटी क्या रहती है, आपकी सबऑर्डिनेट एक्टिविटी रहती है. तो भाई उसमें ज्यादा भी प्रोडक्शन करके नहीं रख देंगे, उसमें कम भी नहीं. ज्यादा बनाओगे तो मैंने बताया था WIP बन जाता है, और कम बनाओगे तो आपका रिसोर्स अनयूटिलाइज रह जाएगा बॉटल नेक एक्टिविटी का. तो आपको बस जाए सर, हाँ जा सकते हो भाई अमन, जा सकते हो, मैं भी बंद ही कर रहा हूं. तो प्रोडक्शन यूनिट शैल बी प्लांट देयर प्रोडक्शन कीपिंग रेस्पेक्टिव लिमिटिंग फैक्टर. तो नॉन बॉटल नेक एक्टिविटी का ज्यादा प्रोडक्शन मत करो, ज्यादा नॉन बॉटल नेक पे ध्यान नहीं देना है. फिर एलिवेट करो, कोशिश करो कि थोड़ा सा अगर बॉटल नेक को क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाकर बढ़ा सकते हो क्या, तो एलिवेट करो. तो एलिमिनेट बॉटल नेक, उसी को एलिमिनेट बॉटल नेक भी बोल सकते. एंड यही प्रोसेस रिपीट कर दो, बात खत्म हो गई. बात खत्म हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर 3. एलिवेट करना मतलब पहले कैपेसिटी, गोपाल पहले के कैपेसिटी 5000 यूनिट बनाने की थी इसलिए बॉटल नेक था. कोशिश करो कि ये 5000 को एक्स्ट्रा खर्चा कर कर, जैसे कुछ 50-60 हजार खर्चा कर कर, क्या ये कैपेसिटी में कुछ और जोड़ा जा सकता है, 5500, 6000, 7000 इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है क्या. डन सर. Enhance the capacity. Non-bottleneck are subordinate means bottleneck are superior. उसको पहले utilize करो. Correct बाहुबली जी. Correct बेटा. अब Monday मिलते हैं 4 बजे. जी. अब Monday मिलते हैं 4 बजे. Question number 2 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया. जितने important question थे वो तो कर ही दिए इसके. फिर भी 2-4 है, कर लेंगे. Monday को इसको खत्म कर देंगे. Tuesday को नई RTP. Bye sir. Good night. Good night. Sir कल कौन जीतेगा? कोई भी जीते यार, अब तो क्या है, अब तो कोई भी जीते. बट मैं न्यूजीलैंड के साथ हूं. आई एम विथ न्यूजीलैंड बिकॉज बेचारे वर्ल्ड कप में भी क्या रह गए थे, से इंग्लैंड को चौके किसने ज्यादा मारे उस बेसिस पे वर्ल्ड चैंपियन बना दिया. तो आई एम विथ न्यूजीलैंड. हाँ जी, आई एम विथ न्यूजीलैंड. अब तो हाँ, झोला लेकर आ गए अपन, अब तो वो बात तो सही है भाई. ओके सर, बाय बाय. If 27,216 को 453.6 ओके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 27,000 को 456 से डिवाइड करेंगे, नहीं उल्टा डिवाइड कर रहा हूं. आपके पास 453.6 मिनट थे, क्या डिवाइड करेंगे, 27,216 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल आएगा 0.166 मिनट पर बेयरिंग, 0.0166 मिनट पर बेयरिंग, मिनट पर बेयरिंग. प्रियंका जी ये पर बेयरिंग आ गया, बनाने के लिए कितना टाइम लगा वो आ गया, ठीक है, तख्त टाइम. करेक्ट बात है, ये एक बेयरिंग का टाइम आ गया. इसको अगर 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 सेकेंड आ जाएगा, एक यूनिट को 1 सेकेंड. रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, हाँ कर दे रहा हूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग, उधर भी स्टॉप रिकॉर्डिंग, बीच में यहां कुछ